हेलो 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 आवाज आ रही है सब लोगों को? एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दो अगर आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सही से। फिर जम के रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा, 0 to 10 एकदम अच्छे तरीके से। एक बार सेशन को सबसे पहले लाइक कर दो। एम आई ऑडिबल? सब लोगों को दिख रहा है बच्चों, बता दो एक बार जरा। बस 2 मिनट दे दो, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सब लोग ज्वाइन कर लो, एक बार सेशन को शेयर कर दो हर जगह। ये आखिरी लाइव है, फिर मैं कल आपको टिप्स बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है एंड ऑल। बट ये है कि मेजर बर्डन खत्म हो जाएगा आपका। आप आज रात को रिवाइज कर लेना, जो लोग कल सुबह पहले पेपर देने जाएंगे उनका भी रिविजन हो जाएगा। कुछ लोगों को घर से जल्दी निकलना पड़ता है, उनका रिविजन भी हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने स्पीड से सुबह इस सेशन को देख सकते हो। आवाज आ रही है सबको? चलो चलो ठीक है, एक बार सेशन को सारे बच्चे लाइक कर दो। 6,000 लोग लगभग हैं, लाइक 3,000 ही हैं। फटाफट लाइक कर दो क्लास सेशन को और हम स्टार्ट करते हैं। विद इन अ मिनट हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। चलो गेट रेडी, बच्चों रेडी हो क्लास? ये 5 मार्च को होने वाली थी लाइव क्लास, लेकिन आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे पोल डाला था मैंने, ये क्लास हम शाम को कर रहे हैं। और सॉरी, मतलब 18 मार्च को 5 बजे की जगह 17 मार्च को रात को 8 बजे कर रहे हैं। ठीक है, आप सारे बच्चे ध्यान समझना अच्छे से मेरी बात। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो लाइव चलेगा अभी जो चल रहा है, इसमें मैं इन डेप्थ में 8 के 8 चैप्टर अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। चाहे वो 2 घंटे लगे, चाहे 1.5 घंटे में हो जाए, चाहे 2.5 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, वैसे 2-2.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं डीपली सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, तो तसल्ली से अच्छे से बैठ जाओ, एक कॉपी पेन रख लो, ताकि कोई अगर आपको चीज लगे कि हाँ यार ये काम की है, डेट डाटा काम का है, वो आप लिख लो एक बार। मैं तुम्हें 0 से एंड तक, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ कराऊंगा, चाहे वो कोई इंपोर्टेंट डेट हो, डाटा हो, टेबल हो, चार्ट हो, एवरीथिंग। हम लोगों ने मैक्रो अच्छे से किया, 2.5 घंटे हमको लग गए आज सुबह। ठीक है, और इंडियन भी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, A to Z सब कुछ पूरा का पूरा बहुत अच्छे से चलेगा। तो अच्छे से पूरा का रिविजन करते हैं, एंड जब ये पूरा रिवाइज हो जाएगा तो 2-3 वीडियोस और आएंगी। कुछ आज रात को ADAS के न्यूमेरिकल की वीडियो आज रात को आएगी, फिर आंसर्स कैसे लिखना है वो, फिर उसके बाद आपका लास्ट मिनट टिप्स, तो वो सुबह तक हम लोग कर लेंगे। और आपका पेपर देखना बहुत अच्छा जाएगा, बहुत आसान आएगा पेपर आपका। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा, तो आप रेडी रहना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके समझने के लिए, जो कराया वही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान से समझना क्लास। एक लड़ाई लड़ी गई क्लास, जिसका नाम था क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। कब लड़ाई लड़ी गई क्लास? 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947, लगभग 190 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। लेकिन अंग्रेजों का भारत में आने का जो मेन पर्पस था, वो कॉलोनियल रूल को स्टैब्लिश करना था, मतलब हमारी कंट्री पे कब्जा करना और हमारे रिसोर्सेस को अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में यूज करना। ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्री बन रही थी, कारखाना बन रहा था, कारखाना बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो उन्होंने इंडिया को देखा, इंडिया के अंदर क्लास भरपूर मात्रा में रॉ मटेरियल था, उन्होंने क्लास इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल उठा के ले गए अपने कंट्री में, वहां पे फिनिश गुड्स बनाया, क्लास पूरे वर्ल्ड में बेचा, इंक्लूडिंग हमें। हमारा ही कच्चा माल लेके फिनिश गुड्स बना के हमें ही महंगे दाम पे बेच दिया। ये ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस था इंडिया पे कब्जा करने का। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकॉनमी प्रोस्पेरस इकॉनमी थी, हम लोग क्लास किसी पे डिपेंड नहीं थे, हमारे पास सारी चीजें भरपूर मात्रा में थी। इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, इंडिया में क्लास राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, अदर फूड क्रॉप की कोई कमी नहीं थी, हमारे पास भरपूर मात्रा में था। हमारी कंट्री एग्रीन इकॉनमी थी, अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 85% जो है वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर था क्लास। हम अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया करते थे, हमारे क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी थी, फाइन आर्ट्स था, प्रीशियस स्टोन हो गया, मेटल वर्क हो गया, ये कढ़ाई बुनाई का जो काम होता है पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट का, वो हमारा बहुत पॉपुलर था और पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद ये सारे सेक्टर्स हमारे खराब हो गए, हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, अंग्रेजों ने हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किस तरीके से बर्बाद किया। तो सबसे पहला क्लास था एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद करने के लिए, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी सिस्टम एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्लास, आराम से हम लोग करेंगे रिविजन, बिल्कुल भी हरी कोई नहीं करेगा, आराम से प्यार से पूरा रिविजन करेंगे। जल्दीबाजी में करेंगे तो वो टाइम खराब हो जाएगा, आराम से तसल्ली से करेंगे पूरा का पूरा। मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए,
है ना, तसल्ली से सारा रिवीजन करेंगे। अब मैं डाउट्स भी ले लूंगा आपके, एट द एंड में आपके डाउट भी लूंगा। तीन तीन चैप्टर के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, उसमें आप लोगों के डाउट जो है वो ले लूंगा, ठीक है। अच्छे से कर लो, फिर भले ही रात को सो जाना 6 घंटे आराम से, फिर सुबह पेपर देना अच्छे से, ठीक है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम इज जमींदारी सिस्टम, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है क्लास ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट है, यह है जमींदार जिनको लैंडलॉर्ड कहते हैं, यह है टेनेंट या पेजेंट, ठीक है, यानी कि किसान खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स। सरकार ने बोला जमींदार से, इनसे जितना लूटना लूटो लेकिन हमें टाइम पे टैक्सेस दो। तो जमींदारों ने इनका शोषण करना चालू किया क्लास, और सरकार को टैक्स देना चालू कर दिया। दिस सिस्टम इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्लास ये बेचारे किसान किसके पास जाएंगे, सरकार ने ही तो उनको शोषण करने की इजाजत दी है, तो क्लास ये बेचारे कहीं जाते नहीं थे, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया। कमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, बोला फूड क्रॉप मत उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, हम तुमको ज्यादा पैसे देंगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट बहुत कम था, कोई पक्की फैसिलिटी नहीं थी रेनफॉल की, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, HYV सीड्स नहीं था हमारे पास, हमारे पास खेती बाड़ी करने के इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो जमीन ज्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट हमारा कम निकलता था, कीड़े मकोड़े खा जाते थे। और क्लास किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ना सरकार ने, ना किसी कंपनी वाले ने, किसी मतलब की बिजनेसमैन ने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। एक एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन का, दो एडवर्स इफेक्ट था, सबसे पहला जो फर्टाइल लैंड था वो क्लास वेस्ट पाकिस्तान में चला गया, और दूसरा क्लास यहाँ पे जूट इंडस्ट्री जो है वो क्लास बांग्लादेश में चला गया, पहले पाकिस्तान में गया फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश में, ये दो एडवर्स इफेक्ट था। खेती बाड़ी करने वाला प्रॉपर एरिया जो है पाकिस्तान में चला गया, और क्लास जूट इंडस्ट्री को हमें काफी नुकसान हुआ, वो क्लास बांग्लादेश में चला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसे बर्बाद हुआ, वो कैसे स्टैग्नेंट हुआ, सबसे पहला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना वो इन्होंने खराब कर दी। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स अगर बाहर जाता है तो हम उस पर हैवी टैक्स चार्ज करेंगे, तो इंडिया वाले बेचारे फिनिश गुड्स बाहर भेज ही नहीं पाते थे, लेकिन अगर बाहर से कोई भी फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं, तो बाहर का सामान इंडिया में सस्ता, इंडिया के लोग बाहर का सामान ले रहे हैं, इंडिया का सामान बाहर महंगा, बाहर वाले लोग इंडिया का सामान ले ही नहीं रहे, कुल मिला के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं क्लास, अपना सामान इंडिया में सस्ता बेच रहे हैं और हमारा सामान महंगा कर दिया ताकि कोई और खरीद ना पाए, जिसकी वजह से क्लास हुआ क्या, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारे लोग क्लास फॉरेन गुड्स पे डिपेंड होने लगे, यहाँ पे फॉरेन गुड्स ने डोमेस्टिक गुड्स को काफी कॉम्पिटिशन दिया, हमारे पास कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री ही नहीं थी, हम फिनिश गुड्स बनाए कैसे, हमारे पास रॉ मटेरियल था पर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, मशीन्स नहीं थी हमारे पास, और उन्होंने मशीन्स बनने भी नहीं दी हमारी कंट्री में, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम था, जीडीपी में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का ही था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम था, और सरकार भी क्लास किस पे ध्यान दे रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, कम्युनिकेशन पे, इस पे तो सरकार ने कोई ध्यान दिया ही नहीं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। फॉरेन ट्रेड में क्लास एक लॉन्ग रूट था मुंबई से लेके क्लास लंदन तक पहुंचने का, इस लॉन्ग रूट को खत्म करने के लिए क्लास एक स्विस कनाल बना, हालांकि स्विस कनाल क्लास वो तो हमारी बदकिस्मती थी जो बन गया, इजिप्ट की सरकार ने बनाया स्विस कनाल और एक छोटा रूट बन गया क्लास मुंबई से लेके लंदन तक पहुंचने का। इसके बाद दबादब इंडिया से माल उठा के क्लास अंग्रेज जो है अपने देश में ले जाने लगे, यानी कि हम बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट और हम इंपोर्टर बन गए थे किसके क्लास, फिनिश गुड्स का, हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे, अच्छी बात थी, हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस फॉरेन करेंसी का यूज कहां कहां किया बच्चों, सारे बच्चे मुझे बताओ, याद है किसी को, इस फॉरेन करेंसी का यूज कहां कहां पे किया गया, जो ये फॉरेन करेंसी है इसका यूज कहां कहां, बाहर से जो हमारे पास आया एक्सपोर्ट करने से जो सरप्लस आया उसका 3 यूज है, बताओ क्लास कहां कहां पे क्लास इसका यूज किया गया, वॉर एक्सपेंस के अंदर, वॉर में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया क्लास, कॉलोनियल रूल को सेटअप करने में, ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैलरी देने में यूज किया, और एक चीज इनविजिबल सर्विसेज को बाहर से इंपोर्ट करने में, ठीक है, इनविजिबल सर्विसेज को बाहर से इंपोर्ट करने में यूज किया, वेल डन गाइस, बहुत अच्छा लगा आपने बताया। अच्छा, मोनोपोली कंट्रोल बन गया था क्लास, यानी कि स्विस कनाल जो बना 1859 से 1869 में स्विस कनाल बनकर तैयार हो गया, इजिप्ट की सरकार द्वारा बना, जो ब्रिटेन से लेकर यानी लंदन से लेकर क्लास इंडिया मुंबई इंडिया, ठीक है, ब्रिटेन टू इंडिया जो रूट है उसको बहुत छोटा कर दिया, लगभग ये आधा हो गया, पहले 1900 किलोमीटर का था डिस्टेंस, अब सिर्फ 11600 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, आधे से थोड़ा ज्यादा। फिर इस सरप्लस को भी इन्होंने क्या कर दिया क्लास, ड्रेन कर दिया, ठीक है क्लास। श्रीलंका का पुराना नाम कौन बताएगा, श्रीलंका का पुराना नाम, फटाफट इंगेज हो जाओ सारे बच्चे, फटाफट श्रीलंका का पुराना नाम, भैया सारे बच्चे प्लीज सेशन को लाइक कर दो एक बार, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास ट्यूशन ग्रुप जहां भी है अगर भेज सकते हो तो प्लीज शेयर कर दो, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। इनविजिबल मतलब वही सर्विसेज, सिलोन श्रीलंका का, और ईरान का क्या नाम था क्लास, ईरान का सिलोन, एस से नहीं है हटेगा राहुल बेटा, एस से नहीं है, सी से है, ठीक है, सी से होगा ठीक है, सी से होगा क्लास, सी से, ठीक है, सिलोन मतलब वो सिलोन, इस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, राइट,
पर्शिया, करेक्ट पर्शिया, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मेजर मेजर जो बातें थी वो सारे हम डेटा वेटा सब कुछ रिवाइज करेंगे, लेकिन मुझे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से। जल्दीबाजी करोगे तो कमजोर बच्चा छूट जाएगा, और मुझे सिर्फ गोल्ड पे ध्यान नहीं देना, ब्रॉन्ज और सिल्वर को भी देखना है, तो हर एक बच्चे को देखना है। आराम से बैठो ना, कोई दिक्कत थोड़ी, खड़ा मैं हूं, बोल मैं रहा हूं, आपको मुंह बंद करके आराम से सुनना है बस, ठीक है। अच्छा, डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें, इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था 1921 में। कौन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इंडिया एंटर कर गया? सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या होता है? जहां बर्थ रेट क्लास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डेथ रेट लो हो रहा है। फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन सा होता है? बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है। सेकंड में बर्थ रेट बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है। और ध्यान रखना क्लास, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं क्लास, उसके बाद पॉपुलेशन कभी इंडिया की घटी नहीं। पहला ऑफिशियल सेंसस आया था 1881 में, जो हर 10 साल में आता है। आखिरी जो था क्लास प्योर 2011 का, ठीक है। आखिरी क्या था क्लास? 2011, बिकॉज 21 का पूरी तरीके से अभी आया नहीं है। हमारा जो बर्थ रेट डेथ रेट था, बर्थ रेट किसे कहते हैं? हर 1000 में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 1000 लोगों में कितने बच्चों की, कितने लोगों की, बच्चों की नहीं, कितने लोगों की डेथ हो जा रही है, उसको बोलते हैं डेथ रेट। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई था, 48 था क्लास नियरली, और क्लास 40 per 1000। ध्यान रखना, बोथ बर्थ रेट था 48, हर 1000 में से 48 लोग पैदा हो रहे थे और 40 लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। लिटरेसी रेट बहुत खराब था, इट वॉज जस्ट 16%, और महिलाओं का और कम, महिलाओं को तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, इट वॉज जस्ट 75.7%। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान कितने साल जिंदा रहता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 32 ईयर। कभी किसी डेटा में वेरिएशन आए ना, तो टेंशन मत लेना, डेटा में कभी भी क्लास एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा जो डेटा वेरिएशन है। डेटा बहुत ही कम आता है पेपर में, ठीक है, और जो भी आएगा क्लास वो बिल्कुल क्लियर कट आएगा, उसमें कोई भी क्लास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट डेटा नहीं पूछता। इन्फेंट मॉर्टलिटी, जब बच्चा क्लास, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो विद इन 1 ईयर तक उसके मरने की ना रिस्क मतलब ज्यादा रहती है, बिकॉज बहुत बच्चा 9 महीने पेट में रहा, फिर जब बाहर आता है एनवायरमेंट के अंदर तो बहुत रिस्क रहता है। तो विद इन 1 ईयर उस टाइम पे 218 लोगों की डेथ हो जा रही थी। टीकाकरण की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी क्लास, मदर को बच्चे को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पाता था, तो डेथ काफी ज्यादा होती थी। तो इसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। एक साल तक के अंदर अगर बच्चा, उस जो एक साल तक का बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। तो विद इन 1 ईयर अगर उसकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, हम ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे क्लास, लगभग 72% अंग्रेज राज में हम एग्रीकल्चर कर रहे थे। सेकेंडरी में 10 और टर्शियरी सेक्टर में सिर्फ 17% लोग काम कर रहे थे। तो ये शो करता है कि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पे ही डिपेंड थे, यानी कि एक रीजनल इम्बैलेंस था, और एक तरीके से क्लास देखा जाए अनबैलेंस ग्रोथ था, बिकॉज तीनों सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा काम हो रहा था, इंडस्ट्री थी नहीं, सर्विस सेक्टर को ज्यादा था नहीं। सर्विस सेक्टर में भी इन्होंने बस ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन जो बनाया वही था। रीजनल वेरिएशन, कुछ स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट्स ने क्या किया, धीरे धीरे अपने वर्कफोर्स को, अपने लोगों को एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में फोकस फोर्स करना चालू किया। सच एज स्टेट उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जैसे स्टेट्स जो थे उन्होंने खेती बाड़ी ही करी, उन स्टेट्स ने क्लास अपना कोई इनिशिएटिव दिखाया नहीं कि एग्रीकल्चर से हटा के हम आगे जाएं, जो कर रहे थे वही करते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें क्लास, दो ही इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने डेवलप किया, वो भी अपने फायदे के लिए। अंग्रेजों ने हमारे देश का पूरा बजट बिगाड़ दिया था जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, बट हाँ, रेलवे एक वरदान की तरह है, उन्होंने किया भले ही इंडिया से माल ढोने के लिए था, लेकिन एंड में क्लास उससे हमें को ही फायदा हुआ। इंट्रोड्यूस कब हुआ, डेट याद करो, 1850, और टेलीग्राम और पोस्ट जो है वो सरकार ने बनाया था कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने के लिए। टेलीग्राफ था सरकारी एम्प्लॉइज के लिए, यानी कि क्लास ब्रिटिशर्स के लिए, और जो पोस्ट था वो आम जनता के लिए, चिट्ठी की सेवा, ठीक है, लोग चिट्ठियां भेजा करते थे पहले, आजकल जैसा नहीं कि वीडियो कॉल कर रहे हो आप, एकदम वो नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास, रेलवे का फायदा क्या हुआ क्लास, जो लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर है वो खत्म हो गया, सामान दूर दराज जाने लगा, मार्केट का एक्सपेंड हुआ, मतलब किसी स्टेट में कोई चीज बन रहा है तो वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में जाके बिकने लगा, ड्यू टू रेलवे है, तो सामान क्लास लोग जो है इजिली एक जगह से दूसरी तक ले जाने लगे, मार्केट डेवलप कर गया। अंग्रेजों के आने समय बहुत सारा नुकसान तो हुआ, लेकिन कुछ फायदा भी हुआ, जैसे हमारे पास फूड ग्रेन की सफिशियंसी आने लगी, भले ही जोर जबरदस्ती से अनाज उगवाया, ठीक है, तो फूड ग्रेन सेल्फ सफिशियंसी आने लगी, बाद में कमर्शलाइज किया, बट उससे पहले तो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशियंसी आई गई थी। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माध्यम मिल गया रेलवे, लोग कमर्शलाइज कर रहे थे तो मॉनेटरी, कमर्शलाइजेशन में कॉटन, कौन से कैश क्रॉप होते हैं बोलो, कॉटन, सिल्क, जूट, इंडिगो, है ना, ये सारी चीजें, तो उससे क्लास ये पैसे दे रहे थे, तो मॉनेटरी इकोनॉमी प्रमोट हुआ, बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा। कहीं अगर किसी स्टेट में भुखमरी है, अनाज अच्छा नहीं उगा है, तो रेलवे के थ्रू वहां पे क्लास क्या करते थे, अनाज भेजते थे। और क्लास जो सरकार, जो अंग्रेजों ने पूरा कंट्रोल किया था देश के ऊपर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो बनाया था पूरा का पूरा, वो क्लास हमें विरासत में मिल गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, लाइक पार्लियामेंट वगैरह, ठीक है, वो सब क्लास हमको एक विरासत में मिल गया, कोर्ट वगैरह जो भी बनाया था पूरा का पूरा, वो हमको क्लास विरासत के अंदर मिला।
तो वो हमारे लिए फायदे की बात है। डेटा की बात करें, बिफोर कॉलोनियल रूल, अच्छा सुनो मैं इसमें से कुछ इंपोर्टेंट डेटा टेक करूंगा, उतना ही अच्छे से याद रखना, बाकी भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं है। तो कॉलोनियल रूल एग्रीकल्चर लगभग 85% डिपेंड थे, बैटल ऑफ प्लाजे कब लड़ा गया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757। जमींदारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्लास 1793 कौन लेके आया था, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, तो ये आप ना याद करो तो भी चलेगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1813 में। रेलवे ये इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं टिक कर रहा हूँ ना उतना बस अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पहली ट्रेन चली थी क्लास 16 अप्रैल 1853 में, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 1850 है। स्विस कनाल कब बना था क्लास, 1869 में स्टार्ट हुआ था, 1859 किसके द्वारा, इजिप्ट की सरकार ने। ऑफिशियल सेंसस याद रखना 1881, ये बहुत इंपोर्टेंट है, सुनो सुनो सुनो, हो सके तो चैट में लिखो, अभी लिखो फटाफट। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को 1907, ये लिखो 1907, लिखो सिर्फ लिखो 1907, टिस्को टिस्को टिस TISCO 1907, फटाफट लिखो TISCO 1907, ध्यान रखना ये टिस्को कब आया, 1907, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंटर कर गया 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स, जिसने क्लास जीडीपी को क्लास सिग्निफिकेंट बताया था, जिसके क्लास जिसके जो एस्टिमेट थे काफी सिग्निफिकेंट थे, वीके आरवी राव, फुल फॉर्म नहीं याद रखना बस वीके आरवी राव ध्यान रखो। बर्थ रेट डेथ रेट क्लास याद रखने की जरूरत नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 32 इयर्स। लिटरेसी रेट 16%, महिलाओं का 7% है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो डेथ है पर 1000 बर्थ वो उस टाइम कितनी थी क्लास 218। तो ये है फर्स्ट चैप्टर का पूरा डेटा, फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिविजन। अच्छे से आप लोग मुझे बता दो किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे, बताओ क्लास सारे बच्चे। पहला चैप्टर मैं समझूं कि आपको अच्छे से हो गया, फर्स्ट चैप्टर बच्चों पहला चैप्टर सब कुछ अच्छे से हो गया ना, इसी तरीके से आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रात अपनी है। टिस्को ना टाटा की कंपनी है एक, 1907 में 1907 में आया था, ठीक है। देखो और अलग अलग बुक में ना कुछ अलग अलग चीजें दी रहती हैं, तो आप उसकी चिंता नहीं करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो और इतना करो, इससे हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। नाउ 1950, अब देखो 1950 से लेकर 1990 तक हमारी हालत कैसी थी, ठीक है। देखो अब हमारा सबसे बड़ा डिसीजन था कि हम किस टाइप की इकोनॉमी को बनाएं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म यानी कि मार्केट इकोनॉमी, सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, तीन अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है। कैपिटलिज्म में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कौन लेता है क्लास डिसीजन, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्लास कौन लेता है डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेता है क्लास, ये डिसीजन क्लास सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन लेता है मुझे बताओ, सरकार। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है यहाँ पे सोशल वेलफेयर होता है। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों यानी कि प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर डिसीजन लेती है क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है साथ में सोशल वेलफेयर भी होता है। इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 में क्लास प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, कब हुआ क्लास 1950, और इन्होंने क्लास जो प्लान बनाए थे वो 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजना की, पांच साल में देश की तरक्की करेंगे। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, कौन चेयरमैन है क्लास, कौन चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। पहला प्लान 1991 में लॉन्च हुआ, 1 अप्रैल 1951, कब तक चला 31 मार्च 1956। आखिरी प्लान था 12th 5-year plan 2012-17, जो कि था क्लास लास्ट 5-year plan, आखिरी 5-year plan था। प्लान होलीडे ड्यू टू थर्ड, ध्यान रखना क्लास, ड्यू टू थर्ड 5-year plan हमारा फेल हो गया, जिसकी वजह से 1966 से 1969 ये 3 साल को बोलते हैं क्लास प्लान होलीडे, प्लान होलीडे किसकी वजह से, ड्यू टू कौन सा प्लान था बच्चा, थर्ड 5-year plan का फेलियर होना, ठीक है, पाकिस्तान का वॉर छिड़ना, इन सब की वजह से क्लास ये 3 प्लान को हमने छुट्टी दे दी, प्लान होलीडे बोल दिया। जो प्लान 20 साल में अचीव होते हैं उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन ने क्लास क्या किया, प्लानिंग जो नीति आयोग है उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, कब 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बोलते हैं नीति आयोग। फुल फॉर्म ध्यान रखना, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, यूटीज के गवर्नर्स, एलजीज, ये सब आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं कि देश को कैसे डेवलप करना है, हर स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सुधारना है, ये नीति है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं होता, आखिरी प्लान था 12वां प्लान, 12 से 17 तक चला था, 12th नंबर का प्लान लास्ट 5 प्लान था जो कि 12 से 17 तक चला था।
प्लान की जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ फायर प्लान, वो जैम्स है। जैम्स का मतलब क्या है? जी फॉर ग्रोथ, कि देश जो है वो ग्रो करे। देश ग्रो करेगा तो देश के लोग भी ग्रो करेंगे। इक्विटी, गरीब अमीर के बीच का जो फासला है वो खत्म करना है। अगला है क्लास मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में क्लास मॉडर्नाइजेशन लेके आएंगे। सोशल आउटलुक चेंज करेंगे कंट्री का। आज अगर आप घर बैठे बैठे लाइव अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे तक डाउट्स पूछ सकते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं क्लास मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में इसी तरीके से क्लास हर सेक्टर में होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, हम कम से कम अनाज के ऊपर किसी पे डिपेंड ना हो। आपको पता है हम लोग क्लास आजादी के बाद 1965 तक ऑलमोस्ट हम लोग क्लास अमेरिका पे अनाज के लिए डिपेंड थे। उन्होंने हमें धमकी देना स्टार्ट कर दिया, तो शुक्र है क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का, जिसकी वजह से क्लास हम लोग अमेरिका से डिपेंडेंसी अपनी कम कर पाए। एग्रीकल्चर 1950 से 1990, इस 40 साल में जब सरकार ने बेड़ा उठाया कि अभी हम लोग क्या करेंगे, देश को संवारेंगे, उसमें हमारा एग्रीकल्चर का हालत क्या था? प्रोडक्टिविटी बहुत लो था, सरकार ने कोई काम नहीं किया। रेनफॉल पे डिपेंडेंसी जो है वो क्लास धीरे, मतलब बहुत ज्यादा कुछ काम डेवलप नहीं कर पाए, रेनफॉल पे क्लास हम लोग डिपेंड थे उस टाइम भी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनना, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में, जहाँ पे जिस काम को चार लोग कर सकते हैं, सात लोग कर रहे हैं उस काम को, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं। और उसमें से किसी एक इंसान को उठा दिया जाए तो भी आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है वो एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लोग अपने लिए अनाज उगा रहे थे क्लास, अभी भी लैंडलॉर्ड्स में और टेनेंट्स में लड़ाई होती थी, लोगों के पास जमीन थी लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में, दूर दूर जगह पे लोगों के पास जमीन हुआ करती थी। इसको ठीक करने के लिए सरकार क्लास क्या लेके आई? क्लास लैंड रिफॉर्म्स लेके आई। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने सबसे पहला क्या काम करा? लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है रूल्स रेगुलेशन रिलेटिंग टू लैंड, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो कौन कौन कितनी जमीन को होल्ड कर सकता है, ये सारी चीजें क्लास लैंड के रिगार्डिंग सारे रूल्स रेगुलेशन लैंड रिफॉर्म्स है। सरकार ने इंटरमीडियरीज को हटा दिया, जितने भी ब्रोकर थे ना बीच में, ब्रोकर इन द सेंस कि किसान अपनी जमीन पे खुद खेती बाड़ी करेगा, वो नहीं जाएगा जाके जमींदार के पास भीख नहीं मांगेगा जाके, वो सरकार ने किया। रेंट को रेगुलेट किया, कितना रेंट ले सकते हैं मैक्सिमम बताना बेटा, कितना रेंट मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है, कितना रेंट मैक्सिमम ले सकते हैं क्लास? देखो बेटा, हाय हेलो छोड़ दो फटाफट, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। फाइव ईयर प्लान जो है 1951 में आया, प्लानिंग कमीशन 1950, पहला फाइव प्लान 1951 से 1956 तक, 12वां जो था 2012 से 2017 तक चला था। वन थर्ड, तो मैक्सिमम रेंट हो गया क्लास वन थर्ड। लैंड सीलिंग, एक लिमिट से ज्यादा अगर तुम्हारे पास लैंड है, सरकार उसको जब्त कर लेगी, और सरकार जब्त करके उसको किसको दे देगी क्लास? जो लैंडलेस लेबर है उनको दे देगी। इसके लिए राजा महाराजाओं की बहुत जमीन गई और काफी लूपहोल निकाला गया लोगों ने, जमीन को रिश्तेदारों के नाम पे लोगों ने बांट दिया, तब से लेकर आज तक जमीनों की लड़ाई चलती रहती है। आप गाँव में जाओ ना, जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो किसकी है? जमीन की, इसके चाचा की, इसके ताऊ की, इसके फूफा की जमीन के, इसने ले लिया, उसने ले लिया, इसने कब्जा ली, वो कर लिया, ये लड़ाई होती है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जमीन अगर जो अलग अलग जगह पे जमीन थी उनसे को उनको लेकर उनको एक जगह पे जमीन दी। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग का बेसिकली मतलब यह है कि आप अलग अलग खेतीबाड़ी ना करो, मिलजुल के खेतीबाड़ी करो, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर आए ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड फाइव प्लान ड्यूरिंग 1960s में क्लास हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जहां पे क्लास हम लोगों ने क्या किया? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न इनपुट्स को, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, ट्रैक्टर को, प्रॉपर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी को अडॉप्ट करने चालू किया। इसको बोलते हैं हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये चार रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आज चारों की बात करेंगे। इसके अंदर हमने HYB सीड्स को यूज करना चालू किया, जहां पे पैदावार बढ़ती है उस बीज, अच्छी बीज होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी करना चालू किया, साइंस को यूज किया एग्रीकल्चर के अंदर, और ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, इन सबको यूज किया, मशीन्स को यूज किया एग्रीकल्चर करने के लिए। इससे फायदा क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा बहुत हुआ, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को दो अलग अलग फेसेस में लागू किया गया। पहला फेस मिड 60 टू मिड 70, जहां पे क्लास इन्होंने कुछ खास स्टेट, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे क्लास धीरे धीरे क्या किया? HYB सीड्स को बांटना चालू किया। फिर धीरे धीरे क्लास मिड 70 टू मिड 80 में HYB सीड्स जो था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो अदर स्टेट्स में सरकार ने देना बांटना चालू किया। फायदा क्या हुआ? अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये है कि हमने इतना अनाज उगा लिया कि हमारी घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, साथ में अब हम उसको बेचेंगे, मार्केट करेंगे उसका। सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है किसानों से अच्छे दामों पे और बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और जब सप्लाई बढ़ेगी अनाज की, ज्यादा अनाज उगेगा ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो गरीब लोगों को अनाज सस्ते मिलेगा, बिकॉज किसी भी चीज की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उसका प्राइस जो है वो कम होगा। राइज इन प्रोडक्टिविटी, जमीन मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, राइज इन प्रोडक्टिविटी।
अब आते हैं इंडस्ट्रियल क्लास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो सरकार सारी चीजें अपने हाथ में रख रही थी, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था क्लास? सबसे पहला कि पब्लिक सेक्टर के पास पैसा बहुत था, प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, सारी कंपनी सरकार खुद चला रही थी। सरकार रोजगार दे रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोजगार दे रही थी और सरकारी कंपनियां भी लोगों को रोजगार दे रही थी। पहले अगर आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो सारी नौकरी सरकारी नौकरी ही हुआ करती। तो अपने दादा को देखना, अपने नाना को देखना, ज्यादातर उम्मीद है कि वो लोग सरकारी नौकरी में ही होंगे उस टाइम पे। लेकिन फिर जो फादर वाली जनरेशन आ गई वहाँ पे सरकारी नौकरी कम हो गई, और आज की जो जनरेशन है वहाँ सरकारी नौकरी है ही नहीं, बहुत रेयर ही है कोई किसी की सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम पे सरकारी नौकरी ही, सरकार ही रोजगार क्रिएट कर रही थी, तो बहुत इजीली सरकारी नौकरी लग जा रही थी। सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग था, जो भी देश के अंदर नेशनल इनकम जनरेट हो रही थी वो सरकार ही कर रही थी, सारी कंपनी सरकार की ही थी। और क्लास सरकार का मेन मोटो सोशल वेलफेयर भी था। सरकार ने प्राइवेट को एंट्री इसलिए नहीं दी आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के बाद देश ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में गुजर रहा था। अगर प्राइवेट को आजादी देते तो प्राइवेट लोगों का मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो देश के लोगों को लूटना चालू करते, और उस टाइम क्लास गरीब लोग थे, इतने दिक्कत होती। सरकार ने फिर सारी चीजें अपने हाथ में रखा और सरकार ने मोटो रखा सोशल वेलफेयर का। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पहला फेज कौन से ईयर में आया था मुझे बताओ? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पहला फेज कौन से ईयर में आया था? ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का पहला फेज, थोड़े से एनर्जी जगा लो, मैं खड़े होकर तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मुझे कल पेपर देने नहीं जाना, तुमको जाना है पेपर देने। थोड़ी एनर्जी लाओ अपने अंदर, मजा लो पढ़ाई का भी, एंजॉय करो जैसे मैं कर रहा हूं। देखो हिस्ट्री है, कितनी बोरिंग थ्योरी है मैं क्या बताऊं, लेकिन ये है कि करते हैं यार, हमें करना तो है ही, चैलेंजेस तो पूरी लाइफ में आते रहेंगे। कहा था 1940, कौन सा है क्लास यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा है? 1948, और सेकंड फेज था क्लास क्या? 1956, जिसके अंदर तीन स्केड्यूल थे। स्केड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री थी क्लास? 17। स्केड्यूल बी में 12, बची कुछ कंपनी बोला प्राइवेट वाले तुम करो। स्केड्यूल ए के अंदर जो 17 इंडस्ट्री थी उसके अंदर कौन कौन सी थी? हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, एनर्जी, आयरन, कोल, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग। याद नहीं करना, बस पढ़ लो थोड़ा सा। स्केड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्री थी जहां पे सरकार क्या करेगी, प्राइवेट से हेल्प लेगी। स्केड्यूल सी के अंदर जो बची कुछ इंडस्ट्री थी सरकार ने बोला आप ये प्राइवेट कर सकते हो। सरकार ने प्राइवेट वालों को घुसने ही नहीं दिया, सारा काम हम करेंगे, तुम कुछ नहीं करोगे। SSI बहुत इंपॉर्टेंट है। SSI 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जिसको कार्वे कमेटी कहते हैं, उसने SSI को रिकॉग्नाइज किया। 1950 में क्लास फॉर्मेशन होने लगा था SSI का, और पहली लिमिट जो थी वो 5 लाख की थी। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे, तो क्लास आपको 5 लाख या उससे कम का है तो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दे देंगे। जैसे ही आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाओगे सरकार की तरफ से बहुत छूट आपको मिलने लगेगा। इसको बोलते हैं SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और जनरली ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव होते, लेकिन आज की डेट पे, बिकॉज पहले का 5 लाख आज के 10 करोड़ के बराबर है, सरकार ने बोला आज की डेट पे क्लास 10 करोड़ तक के अगर आपके एसेट्स है तो भी आप एक छोटी ही इंडस्ट्री कहलाओगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से फायदा जनता को हो रहा था, जनता का भला हो रहा था। लगभग 50% एक्सपोर्ट हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जगह जगह पे छोटी छोटी इंडस्ट्री आसपास के लोगों को रोजगार दे रही थी। 50% एक्सपोर्ट जो है लगभग वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अकेले कर रहा था और बहुत सारा रोजगार जनरेट करता था। सरकार बहुत बेनिफिट देती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से लोग छोटी छोटी लघु उद्योग कारखाना लगाना चालू कर दिया था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके लिए कुछ बात ध्यान रखना, MCQ में स्पेशली आ सकता है। इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, ही स्टार्टेड जर्नल संख्या। इन्होंने क्लास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, और सेकंड फाइव ईयर प्लान में क्लास प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल को इंडिया ने अपनाया था। कौन से फाइव ईयर प्लान में बोलो, कौन से, लिख लो, लिखते ही तुम्हें याद आएगा कौन से फाइव ईयर प्लान में अपनाया था बेटा। सेकंड फाइव ईयर प्लान ध्यान रखना, सेकंड फाइव ईयर प्लान में इसको अपनाया गया था। ठीक है, कौन से में? सेकंड फाइव ईयर प्लान में। ठीक है यार, 1 करोड़ जो लिखा है ना ऋषभ, हाँ यार 1 करोड़ जो लिखा है वो 2016 का डेटा है, आज 10 करोड़ है। 1 करोड़ जो लिखा है 2016 का डेटा, मैंने फिर बोला ना आपको ऐसे कंफ्यूजिंग डेटा पूछेगा ही नहीं जो चेंज होता हो, समझ, बिकॉज ये बहुत वेरी बहुत मतलब चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर। तो वो बुक में जो 1 करोड़ का डेटा लिखा गया है वो 2016 का है, 16 का 1 करोड़ है, अभी का अगर देखोगे 24 का तो वो 10 करोड़ है। तो अगर आप 16 का डेटा याद करें 16 का कर लो, और एग्जामिनर अगर ऑप्शन देगा तो कभी भी वो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, 10 करोड़ और 1 करोड़ का ऑप्शन कभी नहीं देगा, वो बिल्कुल अलग ही ऑप्शन होगा। फिर 1 करोड़ होगा तो फिर 10 करोड़ नहीं होगा, 3 ऑप्शन और कोई बेकार ऑप्शन होंगे। चिंता नहीं करो, अब बड़ा डिफिकल्ट है कि बुक अपडेट नहीं है, NCERT पुराना डेटा है, तो मैंने पुराना बता दिया आपको और नया भी बता दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, हम 1950 से 1990 तक सोच रखते थे कि यार बाहर वालों को इंडिया में मत आने दो, टैक्सेस बढ़ा दो, कंपटीशन जो है वो बढ़ा दो, समझ रहे हो। तो टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो थे, हमारे डोमेस्टिक फर्म्स थे, उनको फॉरेन कॉम्पिटिटर से हमारी सरकार प्रोटेक्ट करती थी।
तो सरकार ने क्या किया क्लास, ट्रेड पॉलिसी अपना दी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि बाहर से इंपोर्ट मत करो, हम बाहर से इंपोर्ट को बिल्कुल कम कर देंगे, बॉटलनेक बना देंगे, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे और देश के अंदर ही सारी चीजें बनाएंगे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और उसके लिए दो पॉलिसी अपने, टैरिफ और कोटा। बेटा टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दो इंपोर्ट के लिए, और कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, लिमिट लगा दो कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी का सामान बाहर से नहीं मंगा सकते। डेटा की बात करें, किसका मॉडल सेकंड फाइव ईयर प्लान में इंडिया ने अपनाया था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का प्लानिंग, ये थे क्लास आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, जनसंख्या के एस्टैब्लिशमेंट की थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एस्टैब्लिशमेंट की थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी कि आईपीआर का फेज वन कब आया था, जो मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ के जाना। प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ, 1950, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे क्लास, चेयरमैन। आज भी नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं क्लास, प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट फाइव प्लान आया 51 से 56 तक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, कार्वे कमेटी ने क्लास कब रिकॉग्नाइज किया, कब उपाधि दी एसएसआई को, 1955 में। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया क्लास यूएस पे डिपेंड थी, वो लॉ था पीएल 480, एक लॉ था यूएस का अनाज के थ्रू हमें मिलता था, उस लॉ को बोलते हैं पीएल 480। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में क्लास जो था 1956 का था, 17 ए स्केल में, बी में, बी स्केड्यूल में, 12 बच्चा कुच्चा क्लास जो है वो सी स्केड्यूल में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्लास जो पहला एचवाईवी सीड्स को रिड्यूस किया, एचवाईवी सीड्स प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब क्लास, 1966। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, 1960s बोल सकते हो आप। प्लान होलीडे जो था वो कब से कब तक का था, 1966 से 1969, ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान। ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास किसके लिए था, सुनो सुनो सुनो, ग्रीन रेवोल्यूशन था राइस वीट के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन था हनी बी और हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, येलो रेवोल्यूशन था एडिबल ऑयल के लिए, सीड्स के लिए, जो सरसों का सीड होता है और दूसरा होता है सीसम का सीड हो गया उसके लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन था क्लास किसके लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था क्लास, मिल्क के लिए, ये चार पढ़ना, बाकी ब्लू रेवोल्यूशन एक्वाटिक एनिमल के लिए था, एक्वाकल्चर के लिए था ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, वो ध्यान रखना। पिंक रेवोल्यूशन था एक क्लास मीट के लिए, तो ये अलग अलग रेवोल्यूशन है, ध्यान रखना। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट रेगुलेट कर दिया कितना, 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे क्लास, एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट है ये। एचवाईवी सीड्स कब आया क्लास, 1966। देखो ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना क्लास, ये कंफ्यूजन मत होना, 1965 1966, ये देखना आपको दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा, वही टिक करना, बिकॉज ये दौर था, कोई डेट नहीं थी। एसएसआई में इन्वेस्टमेंट क्या थी, 5 लाख की, और एसएसआई के द्वारा 16 की लिमिट देखो 1 करोड़ की, मैंने लिखा हुआ है देखो, 16 की लिमिट 1 करोड़ की है, करंट लिमिट जो है 10 करोड़ की है। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कब आया क्लास, 1 जनवरी 2015, ठीक है। ये टर्नओवर है, सेल्स है, तो सेल्स के बेसिस पे नहीं, असेट्स के बेसिस पे देख लो। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है क्लास इसका, चेयरपर्सन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्लान 20 साल में अचीव किया जाता है उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। ये है क्लास सारा का सारा डेटा, एक बार देख लो आप। अब मुझे बताओ सेकंड चैप्टर क्लियर है क्लास, सेकंड चैप्टर सबको क्लियर है अभी, थैंक यू हनी फॉर द सुपर चैट, चलो लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, आगे और मेहनत करो। सुनो सारे बच्चे मुझे बताओ जरा, यहाँ पे अभी ये चीज क्लियर है, ये वाला क्लियर है क्लास, यहाँ पे सेकंड चैप्टर 8 में से 2 कर लिए, 6 बचे हैं अभी, ठीक है। मेन डाटा टिक तो करा दिया बेटा, जो मेन डेटा था ना, जो भी मेन डेटा था वो टिक करा दिया। अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे लाइक करके बताओ एक बार, ठीक है, सेशन को शेयर करो एक बार क्लास, लाइक करो इसको, सेशन को लाइक करके मुझे बताओ अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से। तो सर समझ आया, चलो बहुत अच्छा, अब चलते हैं आगे, 2 चैप्टर खत्म कर दिए अच्छे से। अगर तुम चाहते हो सुबह रिवाइज करना तो डबल एक्स की स्पीड में ना ये वीडियो डाल दूंगा मैं, सुबह अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा का पूरा, ठीक है। थर्ड चैप्टर पे आते हैं क्लास, देखो अब 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी, अच्छी बात है, लेकिन अब इसके बाद 1991 में क्लास हम रिफॉर्म्स लेके आए, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, पैराडाइम शिफ्ट। कल तक हम कह रहे थे प्राइवेट वालों को आने नहीं देंगे, आज हम कह रहे हैं आ जाओ, घर जा जा के बुला रहे हैं उनको कि हमारे देश में आ जाओ। 24 जुलाई 1991, ईयर याद रखना, मंथ याद रखना, डेट भूल जाओ तो भी चलेगा। 24 जुलाई 1991 को प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस टाइम पे क्लास, सॉरी जो हाँ
डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव। इन दोनों ने क्लास मिलके देश में रिफॉर्म्स लेके आए। हमारी कंट्री में ना बहुत बुरी समस्या चल रही थी। आप सबको क्लास जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत एडमायर करना चाहिए, भले ही वो शांत रहते थे लेकिन बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स थे, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी भारत भुला नहीं सकता। स्पेशली 1991 में इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, 1991 में हमारी हालत जो है वो बहुत बुरी हो गई थी, जो अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका की हो गई थी, और उस सिचुएशन में क्लास ये रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और रहमत रही कि ये डिसीजन जो थे वो अच्छे निकल गए और इंडिया क्लास आज लीड कर रहा है अलग अलग बड़े बड़े कंट्रीज से। अदरवाइज क्लास इंडिया जो है वो बुरी तरीके से फंस जाता। रिफॉर्म्स क्यों आया क्लास? महंगाई बढ़ रही थी, 16% तक महंगाई बढ़ गई थी क्लास, आज 6% में लोग रोते हैं। फिस्कल डेफिसिट बहुत हो गया था, हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने 40 साल चीजों को अपने हाथ में रखा, 1950 से 1990 तक कोई खास डेवलपमेंट दिखा नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा माइनस में था, हमारे एक्सपोर्ट्स कम थे इंपोर्ट ज्यादा, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं $100 का, इंपोर्ट कर रहे हैं $150 का, तो $50 फालतू कहां से आएगा? उसके लिए क्लास हमारे जो रिजर्व थे ना, हम उसमें से पैसे निकाल रहे थे, हमारा रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गया था, लोन बढ़ गया था, रिजर्व कम हो गया था, बीओपी माइनस के अंदर था, कर्सर पे कर्जा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस 36% था हमारा। अगर ₹100 देश को चलाने में खर्च किया जा रहा है तो 36% क्लास वो था हमारा इंटरेस्ट, ब्याज भर रहे थे, सोचो। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम का समाधान हो गया एलपीजी के आने के बाद। एल फॉर लिबरलाइजेशन, क्या क्या था इसके अंदर? कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत है, मैं बताऊंगा आगे नाम उनका। इसके अलावा किसी कंपनी को लाइसेंस लेना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारी कंपनी है, जितना स्केल बढ़ाना हो बढ़ाओ ना, जितना व्यापार बढ़ाना है बढ़ाओ, तुम अपने हिसाब से प्राइस को सेट कर सकते हो। टैक्सेस सरकार ने कम कर दिए, अननेसेसरी रोक टोक, अननेसेसरी टाइट करना कंपनी को वो खत्म कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है क्लास वो इजी कर दिया प्रोसेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो सरकार ने काफी बेनिफिट दिया कि आए लोग, पहले कॉम्पिटिशन से डर रहे थे लेकिन अब बोल रहे हैं आओ कॉम्पिट दो हमें, ठीक है। लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ क्लास? एबोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को क्लास इन्होंने खत्म कर दिया। शुरू में 18 इंडस्ट्री थी, बाद में से 5 कर दिया गया क्लास। लिक्वर, दारू, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल, ये सारी चीजें, इंसान की जान को खतरा होता है, दारू से भी, मिलावट की दारू बेचते हैं लोग, मर जाते हैं। तो इन सब जगह अगर आप धंधा करते हो तो आपको लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, इनके अलावा आपको किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है क्लास, पब्लिक सेक्टर जो रोल था वो डिक्रीज कर दिया सरकार। पहले 17 इंडस्ट्री अपने हाथ में रखती थी, बाद में 3 कर दिया, डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। सरकार ने बोला ये 3 हम करेंगे, बाकी तुम कर लेना। SSI के लिए सरकार ने पहले ना कुछ प्रोडक्ट लाइक नैपकिन, टिश्यू नैपकिन हो गया, इसके अलावा चॉकलेट्स, टॉयज, ये सब चीज क्लास SSI के लिए रिजर्व कर दिया था कि ये आप ही करना। सरकार ने बाद में बोला नहीं, कोई भी कर सकता है। कैपिटल गुड्स को आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो, और एक MRTP एक्ट था, MRTP कौन बच्चा बताएगा? MRTP एक्ट जो है 1969 का, उसको कन्वर्ट कौन से एक्ट में कर दिया? MRTP एक्ट को क्लास कन्वर्ट कौन से एक्ट में? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में उसको कन्वर्ट कर दिया। MRTP क्या होता है? जो कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट लेके बैठी है, सरकार उन पे खास नजर रखती थी, उनके हर डिसीजन पे टोकती थी, सरकार ने बाद में क्लास उनको आराम दे दिया। MRTP है मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लास, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी रिफॉर्म्स आया। RBI को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर कर दिया, RBI लोगों की हेल्प करने लगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुलने लगे। 14 मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ, 14 बड़े बड़े बैंक थे जिनको सरकार ने बोला तुम प्राइवेट बैंक नहीं हो, सरकार ने तुम्हें खरीद लिया है, तुम अब सरकारी बैंक हो, समझ रहे हो। सरकार अगर क्लास 51% से ज्यादा शेयर प्राइवेट को बेच देती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल, ध्यान रखना 51% से ज्यादा शेयर अगर सरकार प्राइवेट वालों को बेच देती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल, और 49% या उससे कम शेयर सरकार अगर बेचती है प्राइवेट वालों को उसको बोलते हैं माइनॉरिटी सेल। कॉपी पेन है ना, लिख लेना कहीं पे, माइनॉरिटी मतलब 49 से कम या 49, और स्ट्रेटेजिक मतलब 51 उससे ज्यादा। फॉरेन लिमिट की इन्वेस्टमेंट क्लास सरकार ने बढ़ा दिया, अब आप बाहर से आकर क्लास इंडिया के बैंकों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्लास सरकार ने दो चीज अपनाई, एक तो फिक्स हटा के फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट कर लिया, और दूसरा क्लास सरकार ने करेंसी का डीवैल्यूएशन किया। आज ही सुबह पढ़ाया था मैंने, करेंसी का डीवैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करती है ताकि अंग्रेजों को वो करेंसी सस्ती लगे और वो यहां से ज्यादा सामान खरीदें, इसी बहाने हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आएगा और हमारे से सामान खरीदेंगे तो हम सामान बनाएंगे भी, हमें धंधा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर सरकार ने क्या किया? डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट दोनों को रैशनलाइज कर दिया, टैक्स सिस्टम को ना बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि आप आसानी से टैक्स दो, टैक्स कम भी कर दिया, वो अलग बात है कि लोगों ने फिर भी टैक्स जमा नहीं किया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में सरकार ने क्या किया? जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस था ना, इसको कोटा बोलते थे, वो हटा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी। आज अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो आप पे सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती, एक्सपोर्ट इज फ्री इन इंडिया।
अगर मेरा 100 रुपए का माल बन रहा है तो वो इंडिया में 100 का बिकेगा, बाहर भी वो 100 का ही जाएगा। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया और सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए वो भी सरकार ने बहुत आसान कर दिया, ताकि लोग ट्रेड करें, व्यापार करें फ्री तरीके से। अगला एक क्लास प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, सरकार अपनी सारी की सारी कंपनी मैनेजमेंट सब कुछ बेच दे, या सरकार अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा प्राइवेट को बेच दे, इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट कंपनी सरकार कंपनी का थोड़ा हिस्सा ले लेती है, जैसे रेलवे में ले लिया, जैसे इंडियन ऑयल में ले लिया, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया, ठीक है, सीपीएसई। तो देखो क्लास, जिस कंपनी सरकार के पास अगर क्लास किसी भी कंपनी के 51% ज्यादा शेयर हैं, स्ट्रेटेजिक शेयर्स हैं, उसको बोलते हैं सीपीएसई। और सरकार ने इसकी 3 कैटेगरी बनाई है ताकि लोग मेहनत करें, है ना, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 से स्कूल वाले देते हैं ना, तो कंपटीशन आता है। उसी तरीके से महारत्न के अंदर 11 कंपनी है, नवरत्न के अंदर 13, मिनी रत्न के अंदर 17 कंपनीज है, तो ये लोग चेंज होते रहते हैं। महारत्न के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है, IOCL, सेल, भेल, गेल, ONGC, BPCL, HPCL, NTPC, CIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इतना कर रहे हैं बहुत है। ये 13 है, इसके अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, वो उठ के क्लास ऊपर चला गया। पहले वो नवरत्न के अंदर था और फिर क्लास वो महारत्न के अंदर चला गया, सेल्स बढ़ गई होगी ना इसलिए। मिनी रत्न जो क्लास 73 कंपनी है, तो ध्यान रखना महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कैटेगराइज की गई सीपीएसई के तहत, ताकि क्लास ये लोग अच्छे से काम करें और एक कैटेगरी मेंटेन रखें। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, दो देशों में कनेक्टिविटी लेके आना। आज हम पूरे वर्ल्ड से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। वो किसकी वजह से हो रहा है क्लास, ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना, यानी हम पूरा वर्ल्ड एक है, ठीक है। पॉलिसी क्या है क्लास, ग्लोबलाइजेशन को मेंटेन करने का, सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को बढ़ा दी गई, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उसकी लिमिट को बढ़ा दी गई। फॉरेनर्स क्लास अब इंडिया में 100% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेड पॉलिसी लॉन्ग टर्म की बनाई सरकार ने, कि आप 20-30 साल की ट्रेड पॉलिसी बनाई, ताकि बाहर से कोई इंडिया में आए तो उसे बीच में भाग के जाना ना पड़े। सरकार ने लंबे समय तक गारंटी दी उसको कि आओ इंडिया में रहो। टैक्सेस कम किए और कोटा को हटा दिया, टैक्सेस खत्म कर दिए या कम कर दिए, एक्सपोर्ट फ्री कर दिया, इंपोर्ट के टैक्स कम कर दिए। और जो क्वांटिटी थी ना, कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं, आप कितने भी क्वांटिटी आप इंपोर्ट करो, बस इंपोर्ट ड्यूटी देकर। इंडिया आउटसोर्सिंग का एक हब बन गया है, क्योंकि इंडिया में लेबर चीप रेट पे अवेलेबल है, इवन पढ़े लिखे लोग भी इंडिया में कम से कम रेट पे काम करने को रेडी हैं, जिसकी वजह से बाहर से क्लास लोग आते हैं और अपना काम इंडियन लोगों से कराते हैं। BPO कॉल सेंटर इज वेरी फेमस इन इंडिया, जहां पे क्लास बाहर से लोग, कंपनियां बाहर की हैं लेकिन कॉल सेंटर उसका इंडिया में है, क्योंकि कॉल सेंटर पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इंग्लिश में या हिंदी में जहां भी बात कर रहे होते हैं, वो बहुत कम रेट पे काम कर लेते हैं एज कंपेयर टू डेवलप नेशन। तो इसीलिए इंडिया क्लास एक हब बन गया है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग मतलब अपना काम दूसरों से करवाना, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम है GATT, 1948 का GATT GATT, क्लास 2000 क्लास 1995 में फिर क्लास आया क्या, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया, कोई भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर था उसे खत्म कर दिया, रूल रेगुलेशन क्लास बनाए ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, इनका मेन काम है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना, कोई भी ट्रेड बैरियर है दो देशों के बीच में खत्म करना, दो देशों के बीच में कोई लड़ाई है उस लड़ाई को सुलझाना, और पीरियडिक रिव्यू करना ट्रेड पॉलिसी। अलग अलग कंट्री जो 160 क्लास मेंबर है, 163 या अभी देख लेंगे 163 कंट्री जो है इसके मेंबर है, तो ये देख लेते हैं कि भैया इन मेंबर कंट्री ने कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं बनाई जिससे ट्रेड बैरियर लगे। ट्रेड बैरियर मतलब व्यापार करने में कोई रुकावट कोई कंट्री डाल नहीं सकता अगर वो WTO का मेंबर है तो। दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। मोदी जी जाते हैं अलग अलग कंट्री में व्यापार करते हैं, वो बायलैटरल ट्रेड है कि हाँ कोई डील साइन करते हैं। लेकिन अगर ट्रेड कई सारे लोगों के बीच में हो रहा हो, कई सारे कंट्री के बीच में हो रहा हो, उसको बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। फायदा क्या हुआ LPG से, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, बाहर से लोग आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा, बिकॉज एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा। इन्फ्लेशन पे हमने कंट्रोल किया, फिस्कल डेफिसिट पे चेक किया, चेक मतलब उधार हमारा धीरे धीरे कम होने लगा, इतना उधार नहीं ले रहे थे, और हम प्राइवेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे रोजगार देना स्टार्ट कर रहा था लोगों को। घाटा क्या था, हमने कहीं भी एग्रीकल्चर की बात नहीं की, रूरल एरिया को डेवलप नहीं किया, इसी की देन है कि आज रूरल एरिया डेवलप नहीं हो पाया है। टैक्स पॉलिसी सरकार ने बनाया तो, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं दिया। मार्केट में नए नए प्लेयर आ गए, बेमतलब की चीजें बना के बेचने लगे, जिन चीजों की जरूरत नहीं है मार्केट में उन चीजों को बना के बेचते, 4 तरह के क्रीम, 4 तरह के तेल, शैम्पू, कंज्यूमर गुड्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बना के बेचते हैं, परफ्यूम वगैरह बहुत डिफरेंट टाइप के, इसकी कोई जरूरत नहीं है लोगों को। और अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है वो अनबैलेंस है,
अनबैलेंस इसलिए कि एग्रीकल्चर पे ग्रो काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर को एलपीजी ने इग्नोर किया। डिमोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास डेट और एम, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसका क्लास मेन एम था करप्शन खत्म करना, इलीगल एक्टिविटी को रोकना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को रोकना मार्केट में, टेरर फंडिंग को रोकना, टैक्स की चोरी को रोकना, और मेन ये भी था कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। लोग कैश के, देखो अगर मैं मान लो आज 1,00,000 रुपए कैश में कमा रहा होता, सरकार को पता चलेगा ही नहीं कभी, लेकिन आज अगर मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ रहा है, सरकार को पता चलेगा। तो सरकार चाहती थी कैशलेस इकोनॉमी खत्म हो जाए, इसलिए सरकार ने जनधन योजना लागू की, सबके बैंक खाते खुलवा दिए। डिमोनेटाइजेशन से इंपैक्ट क्या हुआ, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, कैश ट्रांजेक्शन कम हुए, डिजिटाइजेशन प्रमोट हुआ, आज तुम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ज्यादा यूज करते हो, रियल स्टेट के प्राइस कम हो गए थे उस टाइम पे, हालांकि बाद में फिर से बढ़ गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ने लगा और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी सरकार का बढ़ने लगा, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कलेक्शन बढ़ने लगा। 29 मार्च 2017 को फाइनली क्लास जो है पॉइंट के अंदर पास हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017। जीएसटी एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, दैट इज कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको मर्ज करके सरकार ने क्या कर दिया, जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया। जीएसटी के अलग अलग रेट है, कुछ सामान पे जीएसटी नहीं लगता है, कुछ सामान पे क्लास पेट्रोल हो गया या एक इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, उस पर भी जीएसटी लगता नहीं है, उस पर अलग ड्यूटी लगती है और हाई रेट पे लगता है। जो चीज मास कंजप्शन है, खाने पीने की चीज हो, मास कंजप्शन है, उसे 5%, स्टैंडर्ड रेट 12-18% है, कुछ का 12 कुछ का 18, और जो डीमेरिट गुड्स है, जो चीजें महंगी लग्जरी कार या लग्जरी चीजें, उस पर 28% है, हाई रेट 28% है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हो तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेम स्टेट में जाते हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आधा स्टेट रखती है आधा सेंटर, सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी, और यूनियन टेरिटरी से सामान बेचते हो तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जीएसटी की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस को मिला दिया और एक ही टैक्स बना दिया, बहुत मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मल्टी स्टेज, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, जो भी वैल्यू एडेड है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा, 100 का सामान 150 का बेचा तो 50 पे टैक्स लगेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अगर इंडिया, अगर आपने यूपी से बेचा पंजाब में तो पंजाब पे टैक्स लगेगा, बिकॉज सामान जो है वो पंजाब में ग्राहक यूज कर रहा है। जीएसटी का काफी एडवांटेजेस हुआ, जैसे पहला टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा सरकार का, टैक्स प्रोसेस सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई कि हाँ आप सबको पता है 10 टैक्स ले रहे हैं, 10 का मिलाकर जीएसटी है, अलग से कुछ नहीं देना भले 28% देना हो। काम करने में, बिजनेस करने में आसानी हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी जीएसटी कैलकुलेशन के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, और एक नेशन एक टैक्स होने की वजह से बाहर से लोग आते थे, इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, अच्छा लगता था उनको कि अलग अलग नाम से नहीं है, एक ही टैक्सेस है, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इन सब टैक्सेस को जोड़ के एक ही बना दिया जीएसटी, और इससे क्लास इकोनॉमी भी क्या हुआ, ग्रो किया। ठीक है, डाटा पे आते हैं फटाफट, क्लास एक करके सारा डाटा याद करते हैं। गोविंद गुजर भाई पढ़ाई कर लो यार, ठीक है, बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं है, पढ़ाई कर लो। 8 नवंबर 2016, हाँ, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो। देखो यार, मोहम्मद जुबेर खान, स्पीड जो है वो मेरी तेज नहीं है, 10 के 10 चैप्टर का रिवीजन कराना है, अगर मैं स्पीड बहुत स्लो रखूंगा तो आगे आते आते पुराना दिमाग से निकल जाएगा, और ये स्पीड मेरी फास्ट नहीं है, मैं मीडियम स्पीड ही रख रहा हूँ, अगर मैं तेज कराने लगूँ तो फिर तो मेरे को पूरा का पूरा मुझे जबानी पता है, मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो स्पीड ठीक है। आप ये जो रिविजन हो रहा है ये मान के कर रहा हूँ कि एक बार आपने पढ़ रखा है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको स्पीड ठीक लगेगी, बट आपने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ो तो थोड़ा सा फास्ट लगेगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आगे और स्लो करने का, ठीक है। देखो यार, पढ़ा होगा तो समझ आएगा, आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ भी तो देखो दिक्कत तो होगी, तो आप सुन के जाओ कब कौन सी काम आ जाए, ठीक है। विवेक चौधरी, थैंक यू वेरी मच सुपर चैट, ड्यू के लिए सीयूईटी में इंग्लिश, अब सीयूईटी मैं बता दूंगा सीयूईटी का, तो वैसे इंग्लिश अकाउंट इको बीएसटी ही चाहिए बस, बीकॉम ई कॉमर्स के लिए मैथ्स नहीं चाहिए, ठीक है, इंग्लिश अकाउंट इको बीएसटी इनफ है, ठीक है। पीयूष हिंदुजा, राजवीर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इसको भेजने की जरूरत नहीं थी सुपर चैट की, ऐसे में नाम ले लेता भाई आपका, ठीक है। रियल स्टेट क्या होता है, स्नैप मास्टर, रियल स्टेट बेसिकली प्रॉपर्टी होता है, रियल स्टेट मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, लैंड हो गया, प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, उसको बोलते हैं रियल स्टेट, राइट। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934, ध्यान रखना एक्ट 1934 का है, आया कब, 1935 अप्रैल में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएटीटी 1948, ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ। 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, समझते हो ना, सरकार ने ले लिया उनको, सरकारी बन गया। डी नेशनलाइजेशन मतलब सरकार से प्राइवेट, और नेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेट से सरकारी। 1969
एनईपी कब आया क्लास? 1991, 24 जुलाई को. प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस, और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव. डब्ल्यूटीओ में 164 कंट्री थे. कब आया? 1 जनवरी 1995. मेक इन इंडिया कब आया क्लास? 2014 में आया. डिमोनेटाइजेशन कब आया क्लास? 8 नवंबर 16 को. जीएसटी पार्लियामेंट में 29 मार्च को पास हुआ. जीएसटी एक्ट कब आया? जो टिक लगाए ना वो इंपोर्टेंट है, देख लो, जो टिक लगाए वो इंपोर्टेंट है. हेलो तनु, हेलो सूरज, सॉरी. देखो, महारत्न कंपनियों का नाम लिखा गया है, नवरत्न के नाम लिखे, मिनी रत्न के अंदर क्या क्या आता है ध्यान समझना. जो एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट जाते हो ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI लिखा रहता है, आप देखना एयरपोर्ट में लिखा रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है. तो वो एयरपोर्ट और ट्रेन कैसे याद करोगे? ट्रेन से जाते हो या एयरपोर्ट हवाई जहाज से जाते हो, तो वो दोनों के दोनों, या मोबाइल फोन में बात करते हो. मान लो आप ट्रेन से गए, मोबाइल फोन से बात करी, बुकिंग कराया फ्लाइट का, फ्लाइट से चले गए, ऐसे कहानी बना के याद कर लो. तो ये तीनों के तीनों किसके अंदर आता है क्लास? मिनी रत्न के अंदर. BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, फोन पे बात की, ट्रेन में बैठे, फोन से बुकिंग कराई क्लास फ्लाइट की और चले गए. तो इसको ऐसे कहानी की तरह याद कर लो, वो मिनी रत्न के अंदर आएगा, ठीक है. इसके अलावा जो सेल गेल होता है ना, वो सब महारत्न है. सेल बेल BHEL, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है ना, ONGC इसको बोलते हैं हम लोग. भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह का जो काम है ना, पेट्रोल वगैरह का, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो सब महारत्न के अंदर आ गई है, ठीक है. इन्फ्लेशन क्लास 16% तक बढ़ गया था, इंटरेस्ट रेट हमारा 36% था. मेक इन इंडिया जनधन योजना कब आया? 2014 में मोदी जी आए तो बहुत कुछ लागू किया. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अकॉर्डिंग 1991 में क्लास 8 कंपनी रिजर्व थी, बाद में घटा के क्लास सरकार ने उसको 3 कर दिया. आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का नेशनलाइज हुआ था 1949 में. 14 बड़े बैंक का 1969, आरबीआई का खुद का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949. क्लास यहाँ पे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 हम बता चुके हैं ऑलरेडी. MRTP एक्ट था 1969 का, उसको कन्वर्ट किसने किया क्लास? कॉम्पिटिशन एक्ट, ये याद कर लेना, ठीक है. और GATT का पुराना नाम था, नया नाम है WTO, पुराना नाम था क्लास GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ट्रेड. हेड ऑफिस कहाँ पे है WTO का? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में. जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्लास हेड ऑफिस है WTO का. 3 चैप्टर हम लोगों ने कर दिया, मुझे बताओ बच्चों 3 चैप्टर तक अंदर कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है. 3 चैप्टर में क्लास जो है, 3 चैप्टर में कोई दिक्कत परेशानी है मुझे बताओ. बिट्टू शर्मा भाई कैसे हो? आदर्श, पान खाओगे? नहीं बड़ा, पान नहीं खाना, आप खाओ, पर ध्यान से देखना एग्जामिनेशन में तुम्हारा पान ना निकल जाए, ध्यान रखना, कल ही पेपर है, दिक्कत हो जाएगी. तो पान वान छोड़ो, अब पढ़ाई कर लो, ठीक है. सुबह मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह. आज रात को ADAS की भी वीडियो डाल दूंगा, न्यूमेरिकल की, ठीक है, और आंसर राइटिंग की कैसे करनी है वो भी बता दूंगा. तो ये छोटी मोटी बातें हैं वो बताऊंगा बस आपको, अब पढ़ाई नहीं करवाऊंगा, ये लास्ट है. बहुत पढ़ा लिया, अब बहुत पढ़ लिया आपने, एक्सेस मत करना, आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाना, फ्रीली पेपर दे के आना, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल, अब सुनो, फिजिकल कैपिटल क्या होता है बेसिकली? फिजिकल कैपिटल है क्लास टेंजिबल, कैन बी सोल्ड इन मार्केट, वो फिजिकल कैपिटल है. जो बेसिकली टेंजिबल है, घर है, गाड़ी है, मशीनरी है, वो सब फिजिकल कैपिटल है, ठीक है. इनटेंजिबल कैपिटल जो है क्लास, आपके अंदर डेवलप हो रहा है, माइंड ऑफ ओन, माइंड ऑफ क्लास यानी कि ओनर के अंदर डेवलप हो रहा है. फिजिकल कैपिटल को सेपरेबल किया जा सकता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल इनसेपरेबल है. फिजिकल कैपिटल को आसानी से मूव किया जा सकता है दो देशों के बीच, अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो, लेकिन क्लास ह्यूमन कैपिटल को क्लास मूव करना बड़ा मुश्किल है. और फिजिकल कैपिटल क्लास खुद को फायदा पहुंचाता है, ह्यूमन कैपिटल खुद को भी फायदा पहुंचाता है, और साथ में क्लास समाज को भी फायदा पहुंचाता है. आपका टैलेंट, आपका स्किल समाज को भी फायदा पहुंचाएगा. सोर्सेज क्या क्या है? एजुकेशन, अगर क्लास एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके माँ बाप इस बात को जानते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जिससे क्लास आप दुनिया बदल सकते हो, इसीलिए हर माँ बाप चाहे गरीब हो चाहे अमीर अपने बच्चों को पढ़ाता जरूर है. दूसरा है क्लास हेल्थ, अच्छी हेल्थ देना, इसके अंदर क्लास प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन और हेल्थ लिटरेसी आता है. दूसरा है क्लास एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाते हो आप, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आपको देखना है कि वहां पे जाने का खर्चा कितना है, वहां की सैलरी कितनी है, वहां के खर्चे कितने, वहां घर का किराया कितना है, कंपेयर करके जाना है. ऐसी नहीं कि वहां इतनी सैलरी मिलती है वहां चले जाओ. और जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े क्लास जो साइंटिस्ट हैं, जब वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, इंडिया को छोड़ के अलग देश में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, उससे हमें काफी नुकसान होता है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग देना, और इन्फॉर्मेशन यानी क्लास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. आज हम कहीं भी कोई चीज जाते हैं तो पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो भी टैलेंट है. आग बंद करके हम किसी कंपनी में जाते नहीं है, रिसर्च करते हैं 5 अलग अलग कंपनी में कहां पे अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर जाते हैं कहां पे स्कोप अच्छा है, कहां ग्रोथ अच्छा है. तो ये 5 के 5 क्या है क्लास? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन.
तीन तरह के मेडिसिन है हेल्थ सेक्टर में, प्रिवेंटिव मतलब वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव मतलब बीमार पड़ गए तो आपको जो इलाज दिया जाएगा, मेडिकल जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, सोशल मेडिसिन का मतलब स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, बीमार पड़ने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि यार ये काम मत करो इससे आप बीमार पड़ जाओ, जैसे क्लास कोविड के टाइम पे कहते थे ना 2 गज की दूरी है जरूरी, इस तरीके से। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्लास एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, आप सब लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और हेल्थ सेक्टर में जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट क्या है, अगर टैलेंट है स्किल्स है तो फिजिकल कैपिटल का आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे, सबसे बड़ी चीज क्या है, और वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, पार्टिसिपेशन और इक्विटी बढ़ेगा, आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार रहोगे ना तो सरकार सब्सिडीज का खर्चा सरकार का कम हो जाएगा, सारा पैसा देश के डेवलपमेंट पे लगेगा और आप इकोनॉमिक रिसोर्स में पार्टिसिपेट करोगे, स्कूल है हॉस्पिटल है सब में क्लास आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि कोई फैसिलिटी सिर्फ अमीरों को मिलेगी, सबको मिलेगी फैसिलिटी, फिर नए नए इन्वेंशन होंगे क्लास, पुराने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट होगा, इनोवेशन इन्वेंशन होगा, आपके अंदर टैलेंट स्किल्स रहेगा तो आप हायर लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात है क्लास पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे, एजुकेटेड लोग जो है उनकी स्मॉल फैमिलीज होती हैं, पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू ही, ठीक है, एजुकेशन देकर समझा सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो ठीक नहीं है स्पेशली इंडिया। समस्या क्या है फिर, रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सरकार कोई स्कीम निकालती है, पॉलिसी निकालती है, कोई प्रोग्राम निकालती है तो बहुत ज्यादा भीड़ है, गरीबी बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, तो पढ़ेंगे कहाँ से लोग, गरीब है तो, और कुछ लोग पढ़ लिख लेते हैं तो वो हमारे देश को छोड़ के अमेरिका में चले जाते हैं, अलग अलग कंट्री में चले जाते हैं, हमारे कंट्री में रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा खर्च कम होता है, लड़कियों की एजुकेशन आज भी कहीं ना कहीं कमी हो रही है, सरकारी स्कूल का प्रॉपर क्लास काम है नहीं, परफॉर्मेंस उनका डाउन है, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे होने के बावजूद भी काम नहीं मिलता, रोजगार का समस्या भारत में बना हुआ है बहुत ज्यादा, और वो एक तरीके से क्लास बहुत सीवियर प्रॉब्लम बना हुआ है रोजगार का, पढ़े लिखे लोगों को भी काम नहीं मिलता। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि आपको कोई चीज सिखाई जा रही है ताकि आप उसे सीख लो, सीख के पैसा कमा सको, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इस पर्पज से काम नहीं करता, ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है ये चीज आपको सिखाना जरूरी है, जो अमीर लोग होते हैं क्लास वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं ताकि वो डेवलप करें, अर्न नहीं करें, डेवलप करें खुद को, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्लास ह्यूमन कैपिटल आता ही आता है, साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हेल्थ और एजुकेशन हर किसी का राइट है, उसको देना ही देना है, भले ही आगे चल के उससे कमाए चाहे ना कमाए, बट ह्यूमन कैपिटल बात करता है आपको ये ट्रेनिंग दी जाए ताकि आप इस ट्रेनिंग से सीख के काम करके पैसे कमा सको, तो ह्यूमन कैपिटल एक छोटा टर्म है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, गवर्नमेंट्स को ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, सरकारी स्कूल्स को अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए और गर्ल्स एजुकेशन को सरकार को प्रमोट करना चाहिए, तीन कमियां हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। क्लास जो एजुकेशन सेक्टर में हमें GDP का कितना परसेंट खर्च करना चाहिए मुझे बताओ, GDP का कितना परसेंट खर्च करना चाहिए क्लास, सारे बच्चे मुझे बताओ GDP का कितना परसेंट, GDP का कितना परसेंट क्लास खर्च करना चाहिए, किस कमेटी ने रेकमेंड किया था, किस कमेटी ने रेकमेंड किया था, सृष्टि आंसर राइटिंग आज रात 11:30 बजे तक कोशिश करूंगा, 6%, ठीक है, मोदी जी खुद कमेंट कर रहे हैं भाई 6%, वाओ कितना है क्लास यहाँ पे 6%, 2% नहीं 6%, ठीक है, कितना है क्लास 6%, राइट 6%। 1920 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं, हमेशा बढ़ती रही, इसीलिए उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वो रखना, एजुकेशन कमीशन ने, ठीक है, गुरुवांश थैंक यू वेरी मच फॉर द सुपर चैट, एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था 6%, ध्यान रखना वो भी आप ध्यान रखना। देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, RTE एक्ट कब का है क्लास 2009 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड लेविंग 2% एजुकेशन सेस, टैक्सेस के ऊपर जो लगता है 2% का सेस, ये बेसिकली एजुकेशन सेस है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान स्कीम कब आया था क्लास 2001-2002 में, यहाँ पे भी क्लास फंडामेंटल राइट बना दिया गया और फ्री एलिमेंट्री प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए सरकार ने क्या कर दिया, फ्री, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 2009 में भी और 2001-2 में, सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001-2 और RTE एक्ट 2009, जिसमें क्लास स्कूल्स में RTE की सीट्स होती है ना, गरीब बच्चों की सीट्स होती है स्कूल के अंदर, उसको बोलते हैं RTE, बड़े बड़े स्कूल्स में भी क्लास RTE लगता है। डेट की बात करें, एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था एटलीस्ट 6% ऑफ GDP 1964-1966 में, तपस मजुमदार कमेटी अपॉइंट किया था इन गवर्नमेंट ने कब, 1998, 2009 में क्लास RTE एक्ट आया,
एनसीईआरटी के फुल फॉर्म है आरटी एक्ट, ऑपरेशन कब हुआ 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन एक्ट कौन सा है 2009 को, काम कब चालू किया 2010 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग NTA जो आपके CVT के पेपर कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CVT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI जो रह गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। Which five-year plan recognizes the human capital formation? Seventh five-year plan recognizes the human capital formation. Education says कितना परसेंट है 2%. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015. Launch of सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों का एक फंडामेंटल राइट कर दिया, मतलब बच्चों को एजुकेशन देना ही पड़ेगा, आप नहीं दे रहे तो आप पेरेंट्स के ऊपर बात उठेगी, कब क्लास 2001 में, ठीक है। अब आते हैं शुरू के 4 चैप्टर, 50% हमने सिलेबस खत्म कर लिया, अपना टारगेट बिल्कुल ठीक है, लगभग 1 घंटे में हमने 50% सिलेबस खत्म कर लिया। अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ तक चीजें कैसी चल रही हैं, यहाँ तक क्या आपको समझ आ रहा है, सही कुछ चल रहा है, सारे बच्चे मुझे बताओ। और सेशन को जिसने लाइक नहीं करा प्लीज यार सेशन को लाइक कर दो, और हो सके तो अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर कर दो, कुछ उनका भला हो जाए, ठीक है। देखो डरने की बात नहीं है अशिका जैन, डरने की बात नहीं है, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आएगा, चिंता नहीं करो। हाँ तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट तक मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, ठीक है, 5 मिनट तक डाउट ले लेता हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो 5 मिनट आपके डाउट ले लेता हूँ, देन फिर हम लोग रूरल डेवलपमेंट पे चलेंगे 6 और 7 चैप्टर, फिर उसमें हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और फिर अपना 9 और 10 चैप्टर होपफुली 10:15 तक हम अपना सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं वो मैं देख लेता हूँ आप लोगों के, प्लीज काम की चीज भेजो, कोई डाउट नहीं है। आतिश बेस्ट ऑफ लक, मॉक टेस्ट बना लिया आप लोगों ने तीनों, लिखने के लिए ना देखो थोड़ा प्रैक्टिस ही होता है, लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो लिख लोगे, अमोग लिख लोगे आप। एमसीक्यू देखता हूँ क्लास एमसीक्यू का क्या करना है, वैसे तो मैंने करा दिए थे एमसीक्यू कुछ और, मॉक से आप कर लो एमसीक्यू, और मैं देखूंगा ट्राई करूंगा आज रात को, अगर हुआ पॉसिबल तो सुबह सुबह करा दूंगा एमसीक्यू कुछ, ठीक है, चिंता नहीं करो, ज्यादा डीप नहीं आएगा, 7-8 क्वेश्चन कुल लिखने वाला, 9 क्वेश्चन लिखने वाले आएंगे, तो इतना कुछ पढ़ा है ना बना बना के लिख के आना, अपनी लैंग्वेज छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ लिख के आओगे नंबर मिलेगा, CBSE में नंबर मिलते हैं लिखने के, चिंता नहीं करो, डरने वाली कोई बात नहीं है, जंग लड़ने नहीं जा रहे, कोई मर्डर नहीं करने वाला आपका, बुरे से बुरे 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा समझ, ठीक है, अच्छे से अच्छा सारा सब कुछ हो जाएगा, इतना ही है बस, एग्जाम है एग्जाम की तरह लो, इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है, नर्वसनेस की जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर फॉर द गुरुवंश सुपर चैट, PDF ये वाला PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, ये PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा आप लोगों को, सब लर्न किया ना, अब लिखने की प्रैक्टिस करो बस, लिखने की प्रैक्टिस करो और एक बार रिवाइज, देखो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ भूल रहे हैं लेकिन रियल में हम भूलते नहीं, हमें याद रहता है, ऐसा हमें फीलिंग आती है कि हमें, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना ये मेहनत दिखेगी आपको, सबको ऐसा लगता है कि हम भूल गए, एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। इंडियन इकोनॉमी का तो रिविजन चल रहा है ना पूरा का पूरा, सुबह आराम से मैं बताऊंगा आपको सुबह क्या करना है क्या नहीं, एक वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से, अभी नहीं अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ADAS के न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी आज रात एट एनी कॉस्ट, ADAS के न्यूमेरिकल की वीडियो आएगी। सौरभ श्रीवास्तव थैंक यू वेरी मच, धक धक हो रहा है भाई, धक धक मत करो, हो जाएगा ठीक पेपर, चिंता नहीं करो, चलें क्लास, चलें आ जाएं क्लास जरा फटाफट। नेक्स्ट जगत जोशी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, इसके अलावा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, CST, इन सबको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके GST बना दिया गया। देखो रूरल एरिया को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, जो हमारा इंडिया का जो मेजर एरिया है वो रूरल एरिया है और हमें उसको डेवलप करना है, तो उसको बिना डेवलप किए इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते। तो रूरल एरिया को डेवलप करने में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, जो भी रूल्स रेगुलेशन है लैंड के रिगार्डिंग उसको इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना, रूरल एरिया में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना वो डेवलप नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनका, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पक्की सड़कें नहीं है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, बैंक्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्लास कारखाने प्रॉपर नहीं बने हुए, तो वेयर हाउसेस नहीं है वहाँ पे, वो डेवलप करना पड़ेगा। एलिवेट
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं गरीबी हटाने का, एक मनरेगा हो गया और बहुत सारे क्लास स्कीम्स है सरकार ने जो गरीबी हटाने के लिए बनाया गया है, वो रूरल एरिया में लाना पड़ेगा और सरकार को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि लोग शहर ना आए, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, पैसा कमाए, लोग पैसा कमाए तो क्लास वहाँ पे रूरल एरिया भी डेवलप होगा। ये सारे के सारे प्रोसेस है ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया को डेवलप करने में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास रूरल क्रेडिट। आपको क्लास उधार देना पड़ेगा। इसके सोर्सेज दो होते हैं। अगर आप क्लास सरकारी इंस्टीट्यूशन से सोर्स उधार लेते हो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है, और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, जहां पे क्लास जो गवर्नमेंट का कोई क्लास कंट्रोल नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज के अंदर आता है मनी लेंडर, शाहूकार जिसको बोलते हैं, इनका काम होता है क्लास लोन देना। अगला है रिलेटिव, अपने रिलेटिव से भी क्लास लो रेट या नो रेट पे इंटरेस्ट ले सकते हो। ट्रेडर और कमीशन एजेंट, ये लोग क्या करते हैं, आपको लोन दिला देंगे, आप फसल उगाओगे तो फसल कटने से पहले आपको फोर्स करेंगे कि आप सारा फसल किसी और को बेच दो और वहां से वो कमीशन कमा लेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। लैंडलॉर्ड, जमींदार भी लोन देते हैं ठीक है किसानों को, लेकिन ये जो मनी लेंडर है, लैंडलॉर्ड है, ये धांधलेबाजी करते हैं अकाउंट्स के अंदर। आपका लोन का कर्जा, इनसे गलती से भी कर्जा ले लेना आपने, जीवन भर आपको ऋणी रखेंगे, कर्जा उतरने नहीं देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो अनरीजनेबल है। इंस्टीट्यूशन सोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कलेक्ट करते हैं पैसे, उधार देने का काम करते हैं किसी भी पर्पस से, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ कंजप्शन पर्पस से होता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, मशीन खरीदना, उसके लिए क्लास यहाँ पे उधार मिलता है। कमर्शियल बैंक, आपको पता है SBI, PNB सब कमर्शियल बैंक है, जहाँ पे कमर्शियल बैंक नहीं होते वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक होते हैं। सरकार तकावी लोन देती है लगभग 6% इंटरेस्ट के रेट से, और एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD ठीक है ये आपका। और लास्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें वुमेन्स होती हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन इसके अंदर होता है, ये सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, थ्रिफ्ट को प्रमोट करते हैं क्लास, और ये एक प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस, और यहाँ पे जो मेनली लोन पैसे इकट्ठा होता है उस किस पर्पस से लोन दिया जाता है क्लास, कंजप्शन पर्पस से, इसको बोलते हैं क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। कंट्रोल सरकार द्वारा है। रूरल क्रेडिट सिस्टम प्रॉब्लम क्या है क्लास, सबसे पहले इनसफिशियंसी, सफिशियंट फंड नहीं है। एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जो इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जो जितना लोन मांगते हैं मिलता उससे बहुत कम है। इंस्टीट्यूशन सोर्सेज बहुत कम है, नंबर ऑफ बैंक्स बहुत कम है। गरीब किसान के ऊपर अटेंशन जो है वो लेसर है, गरीब किसान के ऊपर जो अटेंशन है, सावधानी है, वो बहुत कम है। गरीब किसान को लोन मिलता ही नहीं है, मार्जिनल और बड़े फार्मर्स को लोन मिलता है। किसानों का ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है, किसान अपना जो लोन है वो इंटरेस्ट है, EMI है, वो पे नहीं करते, तो कई बार बैंकों को लगता है कि जानबूझ के ये पे नहीं करते, बाद में सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे इसे माफ कर दो, तो वो लोन देने से कतराते हैं। तो ये प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग किसे कहते हैं क्लास, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रीच टू आवर टेबल। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम एक ऐसा मार्केट सिस्टम है जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे घर तक पहुंचते हैं। इसके अंदर क्लास क्या क्या आता है, इसके अंदर क्लास असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग करके जो हमारे घर तक पहुंचती है चीजें, उसको बोलते हैं क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग। किसानों को नुकसान क्या हो रहा था, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे ना वो मैनिपुलेशन कर रहे थे अकाउंट्स में, खातों में धांधलेबाजी कर रहे थे, मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं होती थी बेचारे किसानों को, तो सस्ते में अपना सारा अनाज इनको बेचते थे ट्रेडर को, वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी तो किसान मजबूर था अनाज बेचने पे, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता आगे चल के। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंप्रूव करने के लिए सरकार लेके आई सबसे पहले क्लास मार्केट को रेगुलेट किया, ये जो मार्केट है मंडी, इसको रेगुलेट किया। रेगुलेट करने का मतलब इसमें एक सरकार की तरफ से इंसान आएगा, एक आएगा ट्रेडर की तरफ से, एक आएगा किसान की तरफ से, और तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे किस रेट पे आज अनाज आपसे खरीदा जाएगा, ताकि क्लास कोई भी धांधलेबाजी ना हो सके, किसानों का फायदा ना उठाया जा सके। बोले भाली का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गांव-गांव में क्लास इस तरह से वेयरहाउस बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाया गया ताकि स्टोर कर सके लोग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, अमूल जो है वो मिल्क कोऑपरेटिव है ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन अमूल मिल्क कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब सब लोग मिलजुल के काम करें। गांव-गांव में लोगों से बोला गया कि जो दूध है वो लाके आप हमें दो, उसका प्रोसेसिंग किया, ग्रेडिंग किया, और क्लास उसके बाद अलग अलग जगह पे क्लास दूध को भेजना चालू किया अमूल ने। आज अमूल क्लास डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बड़ा, जो शहर में जाके दूध सप्लाई करता है, गांव-गांव से लोगों को लेता है, गांव के लोगों को भी इनकम मिलती है, शहर के लोगों को भी दूध मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट मिल जाता है। DPI डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या करा यहाँ पे, कि सरकार जो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लेके आई, इसमें फायदा किस किस का था क्लास, तीन चीजें डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए MSP लाया गया, किसानों से बोला गया हम तुम्हारा अनाज कम से कम इतने दाम में खरीद लेंगे, और वो दाम बहुत अच्छा दाम है, और फिर अगर हम आपसे आपकी आपके अनाज की अच्छी कीमत दे देंगे, 100 का है तो 150 देंगे आपको,
ताकि बाहर के लोगों का फिर 200 में बेचो, 300 में बेचो, किसी को बेचो, हमें अनाज अच्छे दाम पे हम आपको देंगे, ताकि हम आपको अच्छे दाम इसलिए देंगे ताकि आप लोगों के पास एक रीजन बचे, ठीक है, आप लोगों के पास एक रीजन बचे कि हाँ यार आप अगली बार भी खेती बाड़ी अच्छे से कर सको। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुजल रावत, थैंक यू वेरी मच, सुजल रावत ब्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, फॉर द सुपर चैट। एक बार आप इधर आ जाओ, तीन पॉइंट देखो। आपका पेपर में पूछेगा डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एमएसपी हो गया, यानी कि किसान को अच्छे दाम देना उसके अनाज के, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर देना। तो ये कहानी की तरह याद करो, जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीट, राइस, मेज, कॉटन, शुगर कैन, पल्सेस, ये सारी चीजें खरीदेगी तो क्या करेगी, उसका बफर मेंटेन करेगी। बफर मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखेगी ताकि कल कोई इमरजेंसी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, किसी स्टेट में अच्छी पैदावार नहीं हुई तो क्लास इनको फायदा मिले। और अगला क्लास पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लास पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सरकार राशन की दुकानों पे इस अनाज को क्या करती है, फिर बांटती है। जो भी गरीब लोग है ना, उनको राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप, उन सब में क्लास सरकारी अनाज बांटती है, इसको बोलते हैं क्लास डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट है इमर्जिंग अल्टरनेटिव चैनल। देखो क्लास, बेसिकली सरकार ने परमिट कर दिया किसानों को कि भाई आप अपना जो अनाज है ना वो डायरेक्टली मंडी में बेच सकते हो। तो बहुत सारी मंडी बनाई गई, जैसे अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में, हदासपुर मंडी है पुणे में, ऋतु बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश का, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में है। नंबर ऑफ नेशनल और मल्टी नेशनल चेन्स आर ज्वाइनिंग विद फार्मर्स बाई हेल्पिंग देम प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट बाई प्रोवाइडिंग सीड्स एंड अदर इनपुट एट सर्टन प्राइस। इन दिस वे फार्मर विल हैव लार्जर मार्केट फॉर प्रोड्यूस एंड विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस रिस्क। तो बड़ी बड़ी कंपनी KFC, सबवे, मैकडी, बर्गर किंग, तो ये सब क्या करते थे, सारा का सारा जो इनको चाहिए, आलू चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, गोभी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है किसानों को बोलते थे आप उगा के दो हमें, हम तुम्हें कंडीशन बताएंगे, हम तुम्हें अच्छे बीज देंगे, आप हमें उगा के तो हम आपको अच्छे पैसे देंगे। तो इससे क्लास किसानों की अच्छी खासी इनकम होने लगी, बाकी मंडी में डायरेक्टली अनाज तो वो बेच ही रहे थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नेचुरल तरीके से क्लास खेतीबाड़ी करना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करना, मैन्योर, कॉम्पोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ग्रीन मैन्योर का यूज करना ताकि फूड हेल्दी हो, इन्वायरमेंट सेफ रहे और मट्टी की लाइफ भी बनी रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेनिफिट क्या हुआ क्लास, इससे इन्वायरमेंट जो है वो खराब नहीं होता, पेस्टिसाइड फ्री होता है, तो क्लास सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट रहता है, क्रॉप डाइवर्सिटी, आप मल्टीपल क्रॉप सेम जगह पे उगा सकते हो क्लास, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल के हेल्थ पे ध्यान देता है, इकोसिस्टम बेहतर करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है लोगों की हेल्थ भी बेहतर करता है क्योंकि केमिकल यूज नहीं हुआ, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो यूजिंग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ग्राउंड वाटर इज पॉल्यूटेड, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्राउंड वाटर पॉल्यूट नहीं होता, ना एयर पॉल्यूशन होता है ना वाटर पॉल्यूशन होता है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हेल्दी तो होते हैं बट बहुत महंगा आता है, हाई इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को उगाने का, यानी जो नेचुरल तरीके से सब्जियां उगाई जा रही हैं, फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं ना, वो बहुत हाई प्राइस रहता है, उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत हाई रहती है, और आउटपुट बहुत कम निकलता है केमिकल ना डालने की वजह से, और जो फूड की लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होती है, बिकॉज फूड के ऊपर कोई वैक्स वगैरह यूज नहीं किया जाता, नेचुरल तरीके से फूड रहता है, तो उसको क्लास एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना मुश्किल है, तो उसकी लाइफ थोड़ी छोटी रहती है। इस टॉपिक से इस बार एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, खेती बाड़ी के अलावा भी और काम करना, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। जैसे बेनिफिट क्या होगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क फैक्टर एज इट इंश्योर दैट फार्मर डू नॉट लूज ऑल देयर रिसोर्सेज इफ वेदर, अगर कभी मौसम खराब रहा तो वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए कुछ और भी करो खेतीबाड़ी के साथ साथ। मल्टीपल क्रॉप उगा सकते हो क्लास स्मॉल फील्ड ऑफ लैंड पे, जहाँ पे क्लास इनकम इंसान की इनकम बढ़ेगी किसानों की। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, तो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करो आप, गाँव में लोग करते भी हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, हॉर्टिकल्चर करते हैं लोग। The importance of crop diversification lies in fact that जो soil की fertility है ना वो भी बढ़ती है और pest control होता है। जब आप rotate करोगे ना फसल को तो कीड़े मकोड़े नहीं लगते, एक ही फसल उगाते रहोगे ना तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो एक pest control भी होता है जब आप class diversification करते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हो आप, सबसे पहला है क्लास एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है, मुर्गी पालन का शेयर सबसे ज्यादा है इसके अंदर। अगला है फिशरीज, मछली पालन, सरकार सब्सिडी भी देती है मछलियों के दाने पे। अगला है क्लास यहाँ पे डेयरी का काम, जो दूध बेसिकली गाय भैंस जो दूध देते हैं जानवर उनका काम। हॉर्टिकल्चर बेसिकली किसके लिए है क्लास, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए है।
अगला क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर इन कंप्यूटर के थ्रू क्लास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये हो गया क्लास। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो गांव में पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, इससे पैसे कमाते हैं वो, उससे भी उनको इनकम आती है, दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे के सारे नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। गोल्डन रेवोल्यूशन क्लास बेसिकली किसके लिए, तो हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए, ध्यान रखना हॉर्टिकल्चर हनी के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन में बताया मस्टर्ड सीड्स और सीसम सीड्स के लिए, तिल के जो लड्डू वगैरह, तिल का तो आपने देखा ही होगा, तिल जो होता है उसके लिए है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डेटा। सिक्स मोर बैंक 1969 में 14 बड़े बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, लेकिन 6 और बड़े बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ क्लास, 1980 में। ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, स्टार्ट किसने किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्रेन, कब क्लास हुआ था ये, 1970। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 12 जुलाई 1982, सब इंपॉर्टेंट यहां टिक कर रहा हूं। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए था बेसिकली, पीरियड ना याद करो तो भी चलेगा। संसद आदर्श ग्राम योजना अक्टूबर 2014 में, तनवा देखो तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, ठीक है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर 1980 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, माइक्रो फाइनेंस, वर्क वुमेन एम्पावरमेंट, कंजप्शन पर्पस। येलो रेवोल्यूशन किसकी था, मस्टर्ड सीड सीसम सीड्स के लिए। लार्जेस्ट शेयर जो था वो किसका था क्लास, पोल्ट्री का, ठीक है एनिमल हस्बेंड्री में लार्जेस्ट शेयर किसका था क्लास, पोल्ट्री का। बड़े बड़े चैप्टर है 6, 7, 9, 10, ये चारों चैप्टर क्लास बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मतलब इसमें काफी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ धुंधला हो जाएगा। इस चैप्टर में डाटा है, जो 7 चैप्टर है ना, इस चैप्टर में डाटा बेस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस चैप्टर के अंदर एक डाटा दे देगा और बोलेगा इसे एक्सप्लेन करो, ऐसा नहीं कि जरूरी है डाटा देगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ सकता है, लाइक कैजुअलाइजेशन हो गया, इनफॉर्मलाइजेशन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कैजुअलाइजेशन क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या है, जॉबलेस ग्रोथ क्या है, इस तरीके से वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशियो क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, डायरेक्टली पूछा आ सकता है। और केस अगर बेस्ड आ गया तो बस आपको उसे एक्सप्लेन कर देना है, रीजन आता है तो लिख देना, नहीं आता छोड़ देना, लेकिन केस को पूरा का पूरा टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है, राइट ओके। चलो एम्प्लॉयमेंट देखो यार, मैं हर राज शर्मा में हर एक अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्विक रिविजन है सारा का सारा, तो एक रिविजन हिसाब से ही चल रहा है। कोशिश करूंगा इस चैप्टर को थोड़ा सा डीप जो है वो कराऊं इस चीज को, ठीक है ट्राई करता हूँ, ठीक है। थैंक यू हर्षित बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बेस्ट ऑफ लक। एम्प्लॉयमेंट देखो सिंपल सी बात है, काम मिला तो एम्प्लॉयड, काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयड। लेकिन काम नहीं मिला मतलब मैं काम करना चाहता हूँ, काम करने के लायक हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू लेबर फोर्स अपॉन टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला क्या है क्लास, लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू 100। अच्छा इसका मतलब क्या है, लेबर फोर्स किसे कहते हैं बेटा, लेबर फोर्स का मतलब कितने लोग काम करने के योग्य हैं, दे आर एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क, कितने लोग हैं ऐसे, और उसमें जिनको काम मिल गया दे आर कॉल्ड वर्क फोर्स, और जिनको नहीं मिला दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, राइट। और लेबर सप्लाई किसे कहते हैं, कितने घंटे लेबर काम कर सकता है। वर्क फोर्स किसे कहते हैं, जिनके पास काम है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किसे कहते हैं, वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, ध्यान रखना वर्कर अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, उसको बोलते हैं क्लास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। वर्क फोर्स का मतलब लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे क्योंकि काम ही नहीं है, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ऐसा चार्ट आता है, ऐसा डेटा आता है, इसे एक्सप्लेन करोगे कैसे, एक्सप्लेन करोगे रूरल एरिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है 35 जबकि अर्बन एरिया में 33, तो देखा जाए तो रूरल एरिया में वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, रूरल एरिया में लोग ज्यादा काम करते हैं। मेन का वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 52 है, यानी मेन ज्यादा काम करते हैं, एज कम्पेयर टू वुमेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 16.5 है। ट्रांसलेट कर देना इंग्लिश में, बस लिख देना खत्म। इन रूरल एरिया 51.7% पीपल आर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आर मेन और 53% ऑफ वर्कर आर वुमेन, ठीक है सॉरी इन अर्बन एरिया 53% ऑफ वर्कर्स आर मेन, तो अर्बन एरिया में लोग जो है ज्यादा काम करते हैं, पीपल आर मोर एम्प्लॉयड इन अर्बन सेक्टर अर्बन एरिया, ठीक है। वुमेन रूरल एरिया में महिलाओं की तादाद कितनी है, वर्कर पॉपुलेशन इस देश में 17.5, अर्बन में 14.2, तो आप देखा जा रहा है गाँव में पैसों की तंगी की वजह से ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। आई क्लास बात समझ। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे लो क्लास काम कर रहे हैं, जहां पे अपना खुद का काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। खुद के रिसोर्सेज लगाए, खुद के लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप लगाया,
खुद का, तो उसे बोलते हैं क्लास, खुद का आपने लगाया है तो उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी के अंडर में काम करो वेज। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52% है। रेगुलर वर्कर किसे कहते हैं क्लास, जिसको परमानेंट जॉब मिली हुई है, जिसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, जिसके लिए ट्रेड यूनियन है, गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं, उनको कंपनी बिना अल्टीमेटम दिए निकाल नहीं सकती। कैजुअल वर्कर जब काम खत्म उनको निकाल दिया जाता है, दे आर ओनली 25%। तो सबसे ज्यादा कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर कैजुअल, और फिर जाके रेगुलर सैलरी एम्प्लॉय सबसे कम। सेल्फ एम्प्लॉय बता दिया मैंने, रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अब जेंडर में देखना, 52% मेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड है, 52% फीमेल वर्कर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में मेल की तादाद 24 है, फीमेल मेल की तादाद 24 है, और कैजुअल वर्कर में भी 24 है। बट अगर देखोगे यहाँ पे फीमेल की तादाद जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में सिर्फ 21% है, ये ड्यू टू मतलब कि हायर एजुकेशन, महिलाएं ज्यादातर हायर एजुकेशन नहीं लेती, इसकी वजह से क्लास वहाँ पे जो रूरल वर्कर है, जो रेगुलर वर्कर है, वो थोड़े से कम है महिलाओं में। यहाँ पे 24% है, वहां सिर्फ 21%, और कैजुअल वर्कर वहां पे ज्यादा है महिलाओं में, ठीक है। यहाँ पे अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर की बात करें, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय अर्बन एरिया में कितना है क्लास, यहाँ पे अर्बन एरिया में 47% है जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है, जबकि रूरल एरिया में सबसे कम। तो रूरल एरिया में पक्की जॉब नहीं लगती, परमानेंट जॉब सोर्सेस ही नहीं है, कंपनी ही नहीं है इतनी। कैजुअल वर्कर आपको मिलेंगे अर्बन एरिया में कम 15%, रूरल में ज्यादा 29। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सबसे ज्यादा क्लास गांव में होते हैं, अपना खुद का काम, किसान लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं गांव में, सबसे ज्यादा लोग खुद का काम करते हैं अर्बन एरिया में, क्योंकि ऐसे सोर्सेस ही नहीं है, जितने सोर्सेस गांव में है सबके पास खेतीबाड़ी होती है गांव में, अर्बन एरिया में नहीं होता। तो ये 38% है। तो ऐसा अगर कोई चार्ट आता है, डेटा आता है, तो पढ़ के उसे वर्ड्स में लिखना है, आपने पूरा का पूरा डेटा पढ़ना है और उसको वर्ड्स में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। अगर मैं 2017-18 की बात करूं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगभग खेतीबाड़ी में 45% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 24%, टर्शियरी सेक्टर में 31%। तो सबसे ज्यादा लोग आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं एक नंबर में कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी में, दूसरा टर्शियरी में, और तीसरा क्या, सेकेंडरी में। सबसे कम सेकेंडरी में काम करते हैं। अच्छा, प्राइमरी के अंदर क्या आता है क्लास, एग्रीकल्चर करना, माइनिंग करना, क्वेरिंग करना, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज का आ गया पूरा का पूरा, है ना, और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आ गया पूरा का पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रूरल एरिया में 59% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, अर्बन एरिया में सिर्फ 6%। अर्बन एरिया में खेतीबाड़ी होती ही नहीं है, सबसे कम, और रूरल में सबसे ज्यादा। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, रूरल एरिया में 20% सेकंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे 34.3%। टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर अर्बन एरिया में लगभग 60% है, जबकि रूरल एरिया में सर्विस सेक्टर सिर्फ 19.8% है। तो उल्टा है, अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा टर्शियरी, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम प्राइमरी। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, फिर टर्शियरी सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल और फीमेल। तो मेल वर्कर की बात करें तो मेल वर्कर टर्शियरी सेक्टर में 33% है, टर्शियरी सेक्टर में, जबकि सेकेंडरी में 27% और प्राइमरी 41। तो यानी कि जो मेल वर्कर है सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, उससे कम टर्शियरी, उससे कम क्या है, सेकेंडरी। लेकिन फीमेल वर्कर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 57% लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में 18, और टर्शियरी में क्लास कितना है, 25%। तो आपको डेटा पढ़ के लिख देना है कि इसमें इतने काम करते हैं, इसमें इतने। एग्रीकल्चर दोनों ही जगह हाई है क्लास, महिलाएं लेकिन ज्यादातर खेतीबाड़ी का ही काम करती हैं, बिकॉज वो बहुत इजी है उनके लिए काम करना, गांव में हर महिला कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी का काम कर रही होती है, इसीलिए क्लास जो फीमेल वर्कर है ना वो सबसे ज्यादा जो काम करती है वो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, सबसे ज्यादा तादाद, मतलब आधे से ज्यादा महिलाएं जो है वो खेतीबाड़ी कर रही है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, मशीन आ रही हैं और इंसानों को निकाल दे रही हैं, इंसान काम नहीं करेंगे मशीन काम करेगी, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंस हो गए हैं जिसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ आ रहा है। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनके पास 10 से कम एम्प्लॉयज हैं उनको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। गाँव में जो बेरोजगारी होती है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, खुलेआम लोगों को काम नहीं मिल रहा, एक सीजन में काम मिल रहा है और दूसरे सीजन में काम नहीं मिल रहा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का इमेज देख लो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, जो इमेज दिखा रहा हूँ ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ही आ सकता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक सा मतलब यह है कि जितने लोग काम करना चाह, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, ये रूरल एरिया में होता है। एडिशनल वर्कर हटा दिया जाए तो फिर आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज में काम नहीं है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के आने से उस टेक्नोलॉजी को जो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते वो बेरोजगार हो रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
बेरोजगारी के बहुत सारे कारण है। इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रहा तो देश कैसे ग्रो करेगा। पॉपुलेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, सरकार जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाती है वो कम पड़ जाता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर भी हमारा आज भी डेवलप नहीं है। डिफेक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, सिखाते कुछ और है, ट्रेनिंग कुछ और की होती है, काम कुछ और होता है, इंटरव्यूअर कुछ और पूछता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक इंसान काम कर रहा है पूरा परिवार कमा रहा है। हम लोग सेविंग कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, इसकी वजह से क्लास इनकम भी कम जनरेट होती है और ये सारे रीजन है क्लास अनएम्प्लॉयमेंट के। तो मेजर क्या है, रेमेडी क्या है, उपचार क्या है इसका? पहला उपचार, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के ऊपर। जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोले जाए नए नए ताकि लोगों के जॉब लगवा सके। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं सरकार को उनको हेल्प करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सेविंग्स को प्रमोट करना चाहिए। लोग इन्वेस्ट करो, घर पे पैसे मत रखो, इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा लोगों को मिले और उससे वो कारखाने लगाएं और लोगों को जॉब मिले। ये है चैप्टर 7, काफी बड़ा चैप्टर था 7 चैप्टर, बट एक डेटा आएगा और बाकी कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन वही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एक डाटा बेस क्वेश्चन, बाकी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना ही है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी डेटा किसी से भी आ सकता है कांट से। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप मुझे बताओ अभी तक क्या है आपका हाल चाल, मुझे बताओ, क्लियर है सारी चीजें? देखो टिक के पढ़ाई करो, जब अगला बंदा खड़े होके आपके लिए 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ा सकता है कंटिन्यू बोल के, मैं एक रुकता नहीं बोलता रहता हूँ, बहुत जोर पड़ता है गले पे, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। तो यार हिम्मत रखो, हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता, पेपर आपको देना है। मैं चाहता तो मैंने रिविजन करा रखा था, मैं दोबारा लाइव क्यों लेता, ताकि लाइव आपसे बात कर सकूं, आपको कॉन्फिडेंस जगा सकूं आपके अंदर कि हाँ यार हिम्मत ना हारो। ऐसे तो लाइफ में हर चीज छोड़ते चले जाओगे, बचते चले जाओगे हर चीज, जिंदा तो भिखारी भी है जो भीख मांग रहा है, जिंदा ही रहोगे फिर जिंदगी कहाँ रहेगी, समझ रहे हो बात को? तो मेहनत करो यार लाइफ में, यही तो टाइम, यही तो एज है। अब 17 साल की एज में मेहनत नहीं करोगे तो क्या 80 साल की एज में करोगे? टिक के काम करो, ठीक है। चलो अब आते हैं क्लास नेक्स्ट चैप्टर पे। अकाउंट में कुछ नहीं होगा, करा दूंगा अभी, टेंशन मत लो। देखो वंस बेटा समझ कैसे आएगा, आपने साल भर पढ़ा नहीं तो लास्ट में थोड़ी दिक्कत तो आएगी ही आएगी ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए पूरे साल, एक दिन में आप बोलोगे कि वो चीज पूरा का पूरा समझ आ जाए तो नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना देखो, पेपर छोड़ के मत आना, अपना बेस्ट दे के आना, यही एक उपचार है, यही एक तरीका बचा है, अब कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट मिलके बनाए क्लास सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोनेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग ऑफ मैन। हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीजें क्लास दिखती है वो हमारा क्लास एनवायरमेंट है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट में पहला है क्लास बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट, सॉरी बायोटिक कॉम्पोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कॉम्पोनेंट, ठीक है, सॉलिड हो गया, पानी हो गया, माउंटेन्स हो गया। अगला है क्लास एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी क्लास हमारे एनवायरमेंट के अंदर है, इन तीनों से मिलकर हमारा एनवायरमेंट बना हुआ है। एनवायरमेंट में ये रहे क्लास बायोटिक कंपोनेंट, ये रहे क्लास अबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब से मिलकर हमारा क्लास एनवायरमेंट बना हुआ है। हम प्लांट, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग सब लोग मिलकर रहते हैं। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट है इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एनवायरमेंट है जो रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, एनवायरमेंट सारे का सारा वेस्ट संभाल लेता है, एनवायरमेंट के पास एक अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से आप जो भी डिग्रेडेशन करते हैं, जो वेस्ट जनरेट करते हैं ना हम लोग, कूड़ा करकट जो है वो एनवायरमेंट के अंदर समा जाता है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है। एनवायरमेंट है तभी लाइफ है, बायोटिक कॉम्पोनेंट सर्वाइव नहीं कर सकते। सन है, इसके अलावा हवा है, पानी है, ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पे ये सब चीज नहीं होती हम सर्वाइव नहीं कर पाते। अगला क्लास एनवायरमेंट इनहेंस यानी इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलता है। आप बीचेस पे जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, डिजर्ट पे जाते हो, आप अलग अलग जगह जाते हो घूमने, देखते हो स्नोफॉल, देखते हो कहीं पे, तो ये सारी चीजें क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, आपको अच्छा फील होता है, आप और अच्छे से क्लास इंजॉय करते हो पूरे नेचर को। अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है क्लास, अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्सॉर्ब डिग्रेडेशन, जो डिग्रेडेशन आप कर रहे हो उसको अब्सॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी एनवायरनमेंट की, उसको अब बोलते हैं अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। एज इट इज याद करना, मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटेंट एंड वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जितने भी रिसोर्सेज को खराब कर रहे हो ना क्लास, वेस्ट कर रहे हो, वो उसको दोबारा स्टोर कर लेता है। आप जो वेस्टेज कर रहे हो, आप पेट्रोल खत्म कर रहे हो, दोबारा पेट्रोल बन जाता है, उसको बोलते हैं क्लास अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। लेकिन पेट्रोल इतनी तेजी से खत्म कर रहे हो, दोबारा एनवायरनमेंट बना ही नहीं पा रही उसको, तो वो खतरनाक है। अगर आपने अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर चले गए, एनवायरनमेंट क्लास अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो एनवायरनमेंट हमें दे रहा है ना लाइफ, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, वो अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से है,
वो कैरिंग कैपेसिटी की वजह से, अगर ये कैपेसिटी खराब हो गई तो आप लाइफ क्लास सर्वाइव नहीं कर पाओगे, रह नहीं पाओगे अर्थ पे। कैरिंग कैपेसिटी कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो कितनी पॉपुलेशन का बोझ समा सकता है, कितना कैरी कर सकता है। एक 2 लीटर की बोतल है, उसमें आप 3 लीटर पानी नहीं डाल सकते, वो कहीं ना कहीं से ओवरफ्लो करने लगेगा। इसलिए लोग मर रहे हैं, नई नई बीमारियों के थ्रू मर रहे हैं, क्लास अलग अलग टाइप के रीजन की वजह से मर रहे हैं आजकल, क्योंकि हमने अपने एनवायरमेंट को खराब कर दिया है। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। दिस इंप्लाइज दैट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। व्हेन दिस इज नॉट सो, एनवायरमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड फंक्शन, जो कि है लाइफ देना, यानी कि एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। अगर आपने कैरिंग कैपेसिटी और अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर नहीं काम किया तो क्लास लाइफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कैरिंग कैपेसिटी और अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। दो तरह की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का और एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। मैं करूँ बात पॉल्यूशन की, कोई भी पॉल्यूशन हो सकता है। ये है क्लास आपका एयर पॉल्यूशन, ये है आपका वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो भी गैसेस आप मोटर जो मोटर व्हीकल है उसमें जो तेल जलता है, पेट्रोल जो बर्न होता है, उससे जो गैसेस निकलता है, स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, जो कार्बन एयर में रिलीज होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, उससे भी क्लास पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन आल्सो कॉज बाय माइनिंग, जो खनन का काम होता है, मिट्टी की खुदाई होती है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। घर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं क्लास, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है, लाइक पेंट हो गया या फिर ये सब चीजें घर पे, आपके घर पे यूज होती होंगी, इन सबसे भी एयर पॉल्यूशन होता है, स्मेल आती है अजीब सी। एयर पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। कैसे बचाएंगे क्लास, एयर पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे? लोगों को एनकरेज करेंगे कि पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, खुद की गाड़ियां निकाल के ना घूमें, क्लीनर फ्यूल को यूज करें, लाइक इलेक्ट्रिक कार यूज करें, सीएनजी यूज करें पेट्रोल डीजल के अलावा। घर के पंखे लाइट्स को बिना मतलब के ना जलाएं, क्लीन एनर्जी सोलर एनर्जी का यूज करें, क्लीनर फ्यूल घर पे एलपीजी यूज करें, ना कि लकड़ियां जला के खाना बनाएं, जो रूरल एरिया में होता है उसको रोकना है। वाटर पॉल्यूशन, जो भी क्लास कूड़ा करकट देखो, पूरा का पूरा नदियों में बहा दिया जाता है क्लास, पूरा का पूरा डस्टबिन समझ के, जो फैक्ट्रीज है उनके यहाँ से जो गंदगी निकलती है नाले से सीधे, दिल्ली में भी देखोगे ना, यमुना नदी बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, काला पानी, ये सब क्लास क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। जो डोमेस्टिक सीवरेजेस है, जो घर के नाले हैं, उससे पानी सीधा नदियों में जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट सीधा नदियों में जाता है, किसान इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़काव करता है, वो भी झरने में, नदी में, क्लास झील में चला जाता है, और जो फार्मर्स अपने जो सब्जियां हैं उनको भी धो देते हैं जबकि उसमें केमिकल लगा होता है, तो वो पानी में जाता है, और उससे क्लास कई सारी अलग अलग टाइप की बीमारियां भी होती हैं, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां क्लास वाटर पॉल्यूशन से हो सकती है। हम पानी बहुत सारा पीते हैं दिन में, अगर पानी खराब रहेगा तो पॉल्यूशन होगा। अगला है नॉइज पॉल्यूशन, जो भी इन्वायरमेंटल नॉइज है, चाहे वो क्लास स्पीकर्स के थ्रू हो, हॉकिंग के थ्रू हो, या फिर जो मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, गाड़ियों की मशीन हो गया, अलग अलग फैक्ट्री में मशीन्स लगी होती हैं, उन सबसे स्लीप डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियर लॉस, ये सारी प्रॉब्लम क्लास आती है नॉइज पॉल्यूशन से। दूसरा है एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये चार पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्लास इसके अंदर हम जो जरूरी है वो है क्लास ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं। डीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे जंगल थे उन जंगल को साफ कर दिया, प्लेन बना दिया, ताकि वहां पे लोग रह सके, हाईवे बना सके, या फिर क्लास उस रास्ते पे एयरपोर्ट बना सके, कुछ भी बना सके, जंगल को हटा दिया। अगर आप जंगल हटा दोगे तो जंगल में जीव जंतु कहाँ जाएंगे? वो हमारे घर तो रह नहीं पाएंगे आके, तो उससे क्या होता है क्लास? बायोडाइवर्सिटी लॉस। एक प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब किसी प्रजाति का विलुप्त हो जाना, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, ब्लू व्हेल भी खत्म होने वाले हैं, उसी तरीके से क्लास डॉल्फिन की तादाद भी कम होती चली जा रही है, जो चीता है उनकी तादाद भी खत्म होती चली जा रही है। सेव द टाइगर अभियान सरकार ने चलाया था। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड की क्वालिटी। देखो, अगर मिट्टी खराब कर दी ना, अपने आपको खाना नहीं मिलेगा। अनाज उगता है मिट्टी में, आपने मिट्टी खराब कर दिया। सॉइल इरोजन, जहां पे तेज हवाएं चलती हैं और सॉइल के ऊपर की जो न्यूट्रिएंट्स है वो उड़ा के ले जाती है, तो उससे वो सॉइल बंजर हो जाता है, वहां पे खेतीबाड़ी हो ही नहीं सकती फिर। तो ये डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है, ओवर ज्यादा चरने की वजह से, ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन ब्रोमीन की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक क्लास ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, जिसकी वजह से क्लास हार्मफुल रेज सन से निकल के हमारे ऊपर आती है और स्किन कैंसर से बीमारी हमें हो सकती है, उसको बोलते हैं क्लास ओजोन डिप्लीशन। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग जो करंट इशू है, करंट इशू दो है, एक ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा क्या है? एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या?
ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमोस्फियर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे वर्ल्ड में गर्मी हो रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है. किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. अमंग द ग्रीन हाउस गैसेस द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कॉज है वो क्या है? क्लास कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर क्या क्या क्लास आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, ओजोन आता है. मेजर सोर्स सबसे ज्यादा कार्बन है. भाई देखो, कार्बन सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है हमारी पृथ्वी को. जितने भी पावर प्लांट है सब में क्लास कोयला जल रहा है और कार्बन रिलीज हो रहा है. सोचो, बिजली हर किसी को 24 घंटे चाहिए तो कितना कोयला जलेगा. नेचुरल तरीके से लोग जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे. कोयला जल रहा है और कोयला लिमिटेड है. कोयला क्या है? फॉसिल फ्यूल ही तो है. कोयला, पेट्रोलियम, वो लिमिटेड है हमारे पास. वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन. ठीक है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है. डेंजरस मीथेन है, बट क्वांटिटी जो है वो क्लास कार्बन की सबसे ज्यादा है. हर 10 डेकेड में 0.2 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ता चला जा रहा है. हॉट डेज हॉट नाइट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और कूल डेज कूल नाइट्स कम होते चले जा रहे हैं. देखो गर्मी कितनी बढ़ती है. चलो, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है क्लास? एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बढ़ जाता है. जो सी लेवल है वो क्लास धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ता है. पैटर्न ऑफ रेनफॉल जो है वो बढ़ता है. नेचुरल कैलमिटी सच एज फ्लड, फेमाइन, हीट वेव्स वो आने लग जाती हैं. बर्फ पिघलने लग जाता है. ग्लेशियर, ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में, वो पिघलने लग जाता है. ब्यूटी खत्म हो जाता है नेचर का. नई नई बीमारी बन जाती है. मच्छर पैदा होने लग जाते हैं ह्यूमिडिटी में. और मरीन लाइफ भी इम्पैक्ट होता है. जब पानी का लेवल बढ़ेगा ना तो मरीन लाइफ भी इम्पैक्ट होगा. सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था क्लास अलकनंदा वैली उत्तराखंड के अंदर, जहां पे लोगों ने पेड़ों को गले लगाना चालू कर दिया जब लोग पेड़ काटने आ रहे थे कि हमें काटो पहले. किसने? क्लास सुंदरलाल बहुगुणा में. नेक्स्ट बहुगुणा ने नेक्स्ट 5 ईयर में अलग अलग जगह क्लास हिमाचल में भी, जो हिमालय के अलग अलग जगह शिफ्ट हो गया. कर्नाटका में भी ऐसे एक मूवमेंट चला, उसको बोलते हैं आपिको मूवमेंट. उसका मतलब भी गले लगना होता है. पेड़ों को लोग गले लगाते थे कि पेड़ मत काटो, इस तरीके से इमेज देख रहे हो. पॉल्यूशन कंट्रोल 1974 में क्लास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया, जिसका मेन काम है रिवर्स को, वेल्स को क्लीन करना, वाटर और एयर पॉल्यूशन को रोकना. ध्यान रखना, वाटर एयर पॉल्यूशन को रोकना मेन ऑब्जेक्टिव था सीपीसीबी का. एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मास मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करना कि भैया वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन ना करें, एयर वाटर कितना जरूरी है. डेटा कलेक्ट करना और अलग अलग जगह डेटा को पब्लिश करना, कहाँ कितना एयर पॉल्यूशन कितना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए. ये फंक्शंस हैं किसके? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के. हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी या एम से. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज छोड़ के जाएं. हम उनके लिए पानी तो नहीं छोड़ेंगे. आगे आने वाले जनरेशन को प्योर पानी देखने को नहीं मिलेगा. इवन आप सब भी ज्यादातर लोग प्योर पानी नहीं पीते, नलके से निकला हुआ पानी नहीं पीते. बहुत कम लोग होते हैं. ठीक है, आप मशीन का पानी पीते हो, फिल्टर आरओ का. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है? सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का सस्टेनेबल और इक्विटेबल यूज हो. आज की रिक्वायरमेंट के साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड का भी हम लोग ध्यान रखें. प्रिवेंट फर्दर डैमेज टू आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम. लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्लास जो है डैमेज हम लोग ना पहुंचाएं. कंजर्व और नर्चर द बायोडाइवर्सिटी. देखो, हम सब चाहे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका इस धरती पर उतना ही हक है जितना हमारा है. सब लोग मिलकर रहते हैं तभी इकोसिस्टम बनता है. अगर एक प्रजाति खत्म कर दी तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना. स्ट्रेटजीज क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करो. जो पुराने सोर्सेज हैं लाइक क्लास फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, काउडंग, इनका यूज मत करो. जो नए नए सोर्सेज हैं उनका यूज करो. विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, सन, जियो थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इनका यूज करो. क्योंकि इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी नहीं होगा और ये अनलिमिटेड मात्रा में है. सूरज की रोशनी थोड़ी खत्म हो जाएगी, समझ रहे बात को? तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए. तो बहुत एक्सप्लेनेशन है, आपको थोड़ा ही एक्सप्लेन करना है. अगला, क्लीनर फ्यूल का यूज करना चाहिए, एलपीजी का यूज करना चाहिए. उज्ज्वला योजना सरकार ने इसीलिए बनाया था. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, ताकि सीएनजी का यूज करो, एलपीजी का यूज करो, ना कि क्लास लकड़ियां जलाओ. आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो, नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन करो. इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज मत करो. ग्रीन मैन्यूर का यूज करो. मिनी हाइडल प्लांट यूज करो. मिनी हाइडल प्लांट लगाओ. पहाड़ी क्षेत्र में प्लेन जगह कम होती है, टावर लगाना बड़ा मुश्किल होता है. तो उस सिचुएशन में क्लास जहाँ पे छोटे छोटे झरना से पानी गिरता है ना, तो उस प्रेशर से क्या करते हैं क्लास? बिजली बनाते हैं. इसको बोलते हैं मिनी हाइडल प्लांट. विंड पावर, जो विंड टर्बाइन लगे होते हैं बड़े बड़े क्लास, इस तरीके से
फैन लगे होते हैं अलग अलग जगह, आपने देखा भी होगा मूवीज में भी देखा होगा। तो ये घूमते हैं क्लास और टर्बाइन घुमाकर क्लास बिजली बनाते हैं इससे। ये भी हमारे विंड एनर्जी है, हवा तो हमारे पास अनलिमिटेड है, खत्म तो होगी नहीं और ना इससे कोई पॉल्यूशन होता है। अगला ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनली हम लोग बहुत क्लोज थे हमारे एनवायरनमेंट को, हम जितनी भी चीजें क्लास बना रहे थे चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो वो नेचुरल तरीके से बना रहे थे, चाहे क्लास प्लांट बेस्ड मेडिसिन हो, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे कॉस्मेटिक हो। ठीक है, आजकल भी तो ये आता है भाई, टूथपेस्ट में नमक है, हल्दी है, नीम है, एलोवेरा है, गिलोई है, चंदन है, अदरक है, लहसुन है, ठीक है, लहसुन जो भी आप बोलते हो, ठीक है, गार्लिक। तो वो सारी चीजें नेचुरल तरीके से हम लोग क्लास बनाते हैं। तो लोग हैंडीक्राफ्ट का यूज करते हैं, तो इन सबसे क्या होता है, प्लास्टिक का यूज नहीं करते, केमिकल का यूज नहीं करते, नेचुरल तरीके से बनाते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट ना करे, हमें ऐसी मतलब डैमेज ना करे। हमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करनी चाहिए जो हमारे कल को हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन हम सोचते हैं यार क्या ही हो जाएगा मेरे करने से, और मैं तो मर जाऊंगा कल को क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसा नहीं यार, आगे आने वाली जनरेशन, अगर हमारी पुरानी जनरेशन ने गलती ना की होती तो आज हमें पानी स्वच्छ मिलता, हवा शुद्ध मिलती। आज से 50 साल बाद हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, सब अपना अपना ऑक्सीजन टैंक लेके घूमेंगे, प्रॉपर हवा मिलेगी ही नहीं, बहुत सारी नई नई बीमारियां आ जाएंगी। कोरोना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ट्रेडिशन नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस भी इसका पार्ट है। अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करेंगे कि भैया नेचुरल रिसोर्सेस को जो है वो वेस्ट ना करो, उसको प्रोटेक्ट करो। आपको पढ़ाया भी इसलिए जा रहा है ताकि आप भी अवेयर रहो कि ये पृथ्वी हमारी है, ये हमारा घर है, और हम इसे अगर पॉल्यूट कर देंगे, खराब कर देंगे तो फिर हम कहां जाएंगे, तो फिर मृत्यु निश्चिंत है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को अवेयर करो कि यार इतनी ज्यादा गाड़ियां लेके ना घूमें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। अगर आप दो सेम जगह जा रहे हो तो एक गाड़ी में ही जाओ, दो गाड़ी अलग अलग ना लेके जाओ। इसको क्लास प्रमोट करने के लिए क्लास दिल्ली गवर्नमेंट ने क्लास ऑड इवन स्कीम भी चलाया था, ऑड इवन स्कीम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जाम रोकने के लिए। अगर आप दिल्ली मुंबई में देखोगे ना तो बहुत जाम लगता है, इन बैंगलोर में भी बहुत जाम लगता है, तो उस जाम से बहुत टाइम खराब होता है। अगर आधा घंटा मैं जाम में फंसा हूँ तो मेरा रोज का आधा घंटा जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और इस हिसाब से महीने के 15 घंटे मेरे खराब हो रहे हैं। वो 15 घंटे बहुत है, मैं उसको रेस्ट कर सकता हूँ, अपना खुद का कोई काम कर सकता हूँ। तो उससे समय भी खराब होता है, पेट्रोल भी जलता है, पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रमोट करेंगे लोगों को कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। PCCB 1974 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्लास 1986 में सरकार लेके आई ड्यू टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सरकार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था पता ना क्लास? 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, कई सारे लोगों की जान गई थी क्लास, एक केमिकल एक गैस रिलीज होने की वजह से क्लास। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी में भोपाल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, 17 गोल्स है जो 2030 तक अचीव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG हो गया। फादर ऑफ चिपको मूवमेंट क्लास सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वो आप डेट ना याद करो चलेगा, कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत कम पूछा आता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है क्लास इन सब गैसेस की वजह से। ओजोन डिप्लेशन होता है ड्यू टू क्लोरोफ्लोरो कार्बन की वजह से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता है क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली जो ओजोन होल हो गया था ना अंटार्कटिका में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। ठीक है, एक समझौता है, एक अग्रीमेंट है लोगों के बीच कि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करेंगे, जो कि AC रेफ्रिजरेटर ऐसी कूलिंग सब्सटेंस के अंदर पाया जाता था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन और ब्रोमीन का मिक्स है, और उससे क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, अपना आखिरी चैप्टर, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, अगला क्लास 20 मिनट, और हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, इंडिया पाकिस्तान चाइना। अभी तक आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। देखो यार, ये चैट में लिख देना भाई मैं फेल हूं, कहना बहुत आसान है, अपने घर वालों से पूछ के देखो कि आप फेल हो गए तो उन्हें क्या दुख होगा। अभी तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कमेंट, अरे भाई मैं फेल हुआ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जिंदगी पर पछताओगे आगे चल के। फेल होना कोई शान की बात नहीं है, फेल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छे नंबर ला के दिखाओ वो है शान की बात। थैंक यू उत्सव सोनी बड़े फॉर द सुपर चैट। अब मुझे बताओ जो डाउट कोई दिक्कत है मुझे बताओ, MCQ में ट्राई करूंगा। वैसे मैंने कल 70 MCQ करा दिए थे, बाकी 60 MCQ मॉक टेस्ट में है, इसके अलावा भी कोई MCQ होगा, मैं देखता हूँ, अच्छे अच्छे MCQ निकालता हूँ, कोशिश करूंगा आज रात को बना दूं MCQ, कल सुबह तक करा दूं। ठीक है, ट्राई करूंगा, नॉट कमिट नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा। थैंक यू राघव भाई, थैंक यू वेरी मच। ओपन डोर पॉलिसी, आई थिंक ये सब चीजें नहीं पूछे एग्जामिनेशन में। डेट, कुछ डेट जो है वो आपको करना है, थोड़े थोड़े से डेट जो है वो आपको बस लर्न करना है, सारे डेट लर्न करने की जरूरत नहीं, कुछ डेट बस आप याद कर लो।
ओजोन डिप्लीशन का मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जब वो रिलीज होता है ना, वो ऐसी सब्सटेंस है जो ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है ना, सन से जो निकलती है उसमें छेद कर देता है, उसको थिन कर देता लेयर को, और फिर वहां से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो नीचे आता है, हमारे ऊपर गिरता, स्किन कैंसर होता है, उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में छेद हो जाना, दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे। चैलेंज यही है, जितने भी पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन है और एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ना, यही चैलेंज है एनवायरमेंट के। डिफरेंस में बेसिस लिखोगे अच्छा रहेगा, बट अगर बेसिस नहीं आता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख देना, वैसे बेसिस तो लिखना चाहिए, बट अगर आपको बेसिस में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेबर फोर्स का मतलब क्या है, कितने लोग काम करने के लिए एलिजिबल है, उनको बोलते हैं लेबर फोर्स, कितने लोग काम करने के लिए एलिजिबल है। ग्लोबल वार्मिंग का बेसिकली अभी तो बताया, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में ना गर्मी बढ़ती चली जा रही है ड्यू टू कार्बन एमिशंस की वजह से गर्मियां बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितने लोगों का बोझ धरती सह सकती है, कैरी कितना कर सकती है लोगों को, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मार्किंग स्कीम किसका बेटा, किस चीज का मार्किंग स्कीम, आंसर राइटिंग की वीडियो आज आ जाएगी, डोंट वरी। चलो अपने आखिरी चैप्टर पे चलते हैं, इसे खत्म करते हैं। अब जो भी आप बोलोगे वो मैं करा दूंगा रात को, सुबह भी अपने पास टाइम रहेगा, मैं करा दूंगा। आप रात भर अच्छे से इस पूरे लाइव सेशन को देखना और खत्म करना। इंडिया पाकिस्तान चाइना में जो चाइना के 5 पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाइना ऑफिशियली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, डेटा भी इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इसके डेटा को धीरे धीरे करेंगे अच्छे से, ठीक है। 2017 की बात करें तो 1.428 बिलियन पॉपुलेशन थी, मोर देन 70% लोग जो है वो चाइनीज भाषा बोलते हैं, मैंड्रिन भाषा बोलते हैं। 1949 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को क्लास जो है चाइना का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, माओ ज़ेडोंग क्लास इसको रूल कर रहे थे उस टाइम। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्लास मैंड्रिन है, और हाई मतलब पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास माओ ज़ेडोंग का जो पॉलिसी थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एक फाइबर प्लान था जिन्होंने फोर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन बोला, मिलजुल के खेती बाड़ी करो, सब अलग अलग जगह खेती बाड़ी मत करो, एक ही जगह पे खेती बाड़ी करो, ये बोला गया लोगों को। और बोला गया 1958 में कि आप अपने घर घर में इंडस्ट्रीज बनाओ, घर घर में स्टील कारखाने लगाओ, जिससे क्लास लोगों को कारखाने लगाने के लिए बहुत प्रमोट किया गया। कम्यून्स को स्टार्ट किया गया, कम्यून मतलब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करेंगे, एक इंसान खेती बाड़ी नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ लोग खेती बाड़ी करेंगे, 26,000 कम्यून बना दिए गए थे। बट GLF कैंपेन फेलियर माना गया, और क्लास 4-5 करोड़ लोगों की क्लास यहाँ पे डेथ हो गई ड्यू टू स्टार्वेशन, ड्यू टू खाने पीने को नहीं मिला, भुखमरी से लोगों की जान चली गई। ग्रेट प्रोलेटेल कल्चरल रेवोल्यूशन, ये बेसिकली ऐसा रेवोल्यूशन था जो कि माओ ज़ेडोंग के मरते तक चला। माओ ज़ेडोंग ने रेड बुक बांटना चालू किया, माओ ज़ेडोंग ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार करना चालू किया। माओ ज़ेडोंग ने क्लास स्टूडेंट्स को गली गली भेजा, चाइना के अंदर जगह जगह भेजा लोगों को, क्लास इंडस्ट्रीज बनाने में लोगों की मदद करने के लिए। रशिया ने भी अपने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भेज रखा था चाइना में, बाद में उन्होंने क्लास उसे विड्रॉ कर लिया। माओ ने इंट्रोड्यूस किया 1966 में, देखो आप ना अगर मैं एनसीईआरटी देखूं तो 1965 लिखा गया है, तो आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होगा, 1965 ही लिखना। कल्चरल रेवोल्यूशन चला था 66 से 76, इंड्यूस 1965 में किया गया था। एम वाज टू वीप आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मतलब सरकार सब कुछ अपने हाथ में रखेगी, आपको बस यूज करना है, प्रॉपर्टी सरकार की ही रहेगी, तो जो इस आइडियोलॉजी को अपोज करता था उसको मारते पीटते थे, उन लोगों को मारना पीटना खत्म कर देना, ये इसका मेन पर्पस था। Under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside. लोगों को भेजा गया, professionals को, students को, उसकी countries जाके सीखो, practical training लो। Russia की जब conflict हुआ China से, तो Russia ने अपने professionals को withdraw कर दिया, जो कि मदद कर रहे थे China के industrialization process को develop करने में। China industry बना रहा था ना उस time। अगला reforms, ध्यान रखना, पहला है GLF campaign, दूसरा है cultural revolution, great GPCR 1965, वो था 1958, तीसरा है क्लास रिफॉर्म्स। आप ना एक बार एनसीईआरटी में डेट देख लेना, कल्चरल रेवोल्यूशन का क्या ईयर है, आप वही लिखना। प्रेजेंट डे में फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रहा है, चाइना ने 1978 में, ध्यान रखना कब, 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम लोगों ने 1991 में अडॉप्ट किया, चाइना ने 1978 में अडॉप्ट किया था। इनिशियल फेज पे रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लाया गया, जबकि इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट व्हिच वर एलोकेटेड। देखो पहले जो
अलग एक साथ जमीन थी ना उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया और लोगों को बोला आप अपनी खेती बाड़ी करो, अलग अलग तरीके से खेती बाड़ी करो अपने हिसाब से, जो आपको उगाना है आप उगाओ, ठीक है, लेकिन मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। देवर अलोगेट टू कीप ऑल इनकम, सारी कमाई अपने पास रखो, टैक्सेस बस हमें पे कर दो। लेटर फेज में रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो पहले इन्होंने क्या करा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, वहां पे रिफॉर्म्स को लाए गए। अब बाद में क्लास रिफॉर्म जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाया गया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को धीरे धीरे क्लास अलाउ किया गया कि आप भी सामान बना सकते हो, आप भी कॉम्पीट कर सकते हो, ये चीजें क्लास रिफॉर्म्स के अंदर आ गई। अगला डुअल प्राइसिंग, कुछ सामान की कीमत सरकार ने खुद डिसाइड करा और कुछ सामान की कीमत प्राइवेट प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, जो लग्जरी गुड्स होता है उसका, उसको बोलते हैं डुअल प्राइसेस। और SEZ बना गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा प्लेस बना गया, ऐसी जगह बनाई गई जहां पे अलग अलग फॉरेन कंपनीज आती हैं और सब लोग क्लास एक्सपोर्ट का काम करते हैं मिलके, एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहां पे काफी लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिस एरिया में जहां SEZ खुल गया वहां के लोगों के मजे आ जाते हैं क्योंकि वहां पे तरक्की हो जाती है, लोग काम करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, दुकानें खुलेंगी, सड़क बनेगा, घर बनेगा, बैंक आएंगे, सब कुछ फायदा, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और काम मिलने लगा वहां पे, तो वहां सब कुछ डेवलप हो जाएगा। पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कंट्री इन साउथ एशिया, वर्ल्ड का 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन है 212.7 मिलियन। और इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया से ही अलग हुआ 14 अगस्त 1947 को। 1971 में एक सिविल वॉर छिड़ा क्लास ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से क्लास बांग्लादेश एक नई कंट्री बना। और हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की वो बहुत खराब है, मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार टिकती ही नहीं वहां पे। और एक जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, इसके अंदर उर्दू बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी कंट्री जो है मुस्लिम पॉपुलेशन की, वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान इकोनॉमी में जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है क्लास मिक्स इकोनॉमी। इंडिया की तरह ही पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करता है, इंडिया की तरह ही पाकिस्तान फॉलो मिक्स इकोनॉमी मॉडल अंडर को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंपोर्टेंस टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 से पहले जो रोल था वो पब्लिक सेक्टर का रोल था, मतलब पब्लिक सेक्टर ज्यादा ध्यान दे रही थी, ठीक है, 1970 पे। और इन अर्ली 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स टुक प्लेस। 1970 के शुरू में सरकार सारी कंपनी अपने हाथ में रख रही थी। इंपोर्टेंस ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेट 1970s की लेट में, यानी कि 1970s के बाद में धीरे धीरे सरकार ने क्या करा, डी नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को बढ़ावा दिया। ये रहा, ये ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश बना। हुआ क्या कि पाकिस्तान मिलिट्री और सपोर्टिंग पाकिस्तानी इस्लामिक लोगों ने लगभग 300,000 लोगों को मार दिया और 300,000 सिविलियन जो है उससे क्लास अफेक्ट हुए, 400,000 लोगों का रेप हुआ और 1 करोड़ लोग लगभग क्लास हमारे कंट्री के अंदर रेफ्यूजी बन के घुस आए थे यहां से। यहां पे बहुत अत्याचार किया था वेस्ट पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर, बहुत ही ज्यादा गंदा किया था। फाइनेंशियल सपोर्ट लेट 1970 में पाकिस्तान ने फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चालू कर दिया वेस्टर्न नेशन से, अपने जो एमिग्रेंट से जो देश छोड़ के लोग गए हैं उनसे। पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह ग्रीन रेवोल्यूशन है, पाकिस्तान का एरिया अच्छा है खेती बाड़ी के लिए, पाकिस्तान का एरिया बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वहां पे क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति लाई गई ताकि फूड ग्रेन को और बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, फसल अच्छी होगी तभी जब मौसम अच्छा रहेगा, अगर मौसम बिगड़ गया तो फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। अगला है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना। अब इन तीनों देश के बारे में हमने पढ़ लिया, इंडिया के बारे में तो हमने पूरे सारे चैप्टर में पढ़ा ही है अभी तक, इसमें पाकिस्तान के 5 पॉइंट और चाइना के 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं थोड़ा सा कंपेरिजन तीनों कंट्री के बीच का कंपेरिजन, लेकिन आप ध्यान रखना सबसे आगे चाइना है, सेकेंड नंबर पे जो है वो इंडिया है, थर्ड नंबर पाकिस्तान है, लेकिन कहीं कहीं पे क्लास पाकिस्तान भी आगे है, कहीं कहीं पे इंडिया भी आगे है। इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन एस्टिमेट 17-18 का डेटा जो तुम्हारे सिलेबस में अप्लाई करेगा वो 1352 यानी कि 1352 मिलियन है, 135 करोड़, चाइना की 139 करोड़ और पाकिस्तान की सिर्फ 212 यानी कि 21 करोड़। एनुअल ग्रोथ रेट में सबसे आगे कौन है पॉपुलेशन में, 1, 2, 3 एनुअल ग्रोथ रेट में सबसे आगे पाकिस्तान है। हर साल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि सबसे खराब किसका है, चाइना का, और बीच में सबसे कम चाइना का है और बीच में जो है क्लास इंडिया का। चाइना में क्लास वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी क्लास लेट 1979 के आसपास और 2015 में इसको बंद कर दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी, बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है, लेकिन वो पॉलिसी फ्लॉप हो गई, उसे बंद कर दिया गया 2015 में, जिसकी वजह से क्लास चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का वो कम हो गया। डेंसिटी, इंडिया एक हाई डेंस कंट्री है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रहते हैं इंडिया में, जबकि सेम यही
चाइना में सिर्फ 148 लोग रहते हैं, पाकिस्तान में 275। सेक्स रेशियो अगर मैं मेल की बात करूं, 924 फीमेल हैं 1000 मेल पे, जबकि यही डेटा इसका अच्छा है चाइना का 949, जबकि पाकिस्तान का भी हमसे अच्छा है 943। फर्टिलिटी रेट, हर एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है, इंडिया में 2.2 है, चाइना में ये कम है 1.7, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है 3.6। तो पाकिस्तान देखो फैमिलीज बड़ी बड़ी होती हैं। अर्बनाइजेशन, इंडिया का 34% एरिया जो है इंडिया में, जो 34% वो अर्बनाइज है, जबकि 59% जो है वो चाइना में है, और पाकिस्तान का सिर्फ 37% एरिया जो है वो अर्बनाइज है। एक बर्गर यूके में 2.29 पाउंड का मिलता है, सेम बर्गर अमेरिका में 3.57 का मिलता है। अब दोनों का कंपेयर करोगे तो एक यूके पाउंड की जो वैल्यू है वो सेम $1.56 के बराबर है। तो ये जो रेट है ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी है। अगर मैं इंडिया में ₹100 का एक बर्गर खाता हूं तो सेम बर्गर मुझे अमेरिका में $100 का नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर मुझे $5 का मिलेगा। तो 100 और 5, 20:1, यानी कि अगर मैं इंडिया में ₹20 कमाता हूं तो वहां पे मुझे $1 कमाना पड़ेगा। इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, जहां पे दो कंट्री के परचेसिंग पावर को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और एक जैसे इंडिया का डेटा क्या है क्लास, $1 जो है वो ₹23 के बराबर है, कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, लास्ट कब किया था 2021 में, ठीक है। यूएस डॉलर जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए हमेशा क्लास कंपैरिजन यूएस डॉलर से किया जाता है, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी, जहां पे दो कंट्री के परचेसिंग पावर को आप एक साथ कंपेयर करते हो। सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, आप ध्यान रखना, सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंडिया में ध्यान समझना, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर 30 और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा। तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो ध्यान रखना आ सकता है पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यू में, वो है क्लास सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। चाइना की बात करें, 7% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाइना का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं है, उनका कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन अलाउ नहीं करता, उनका मैप में ऐसी जगह पे है जो क्लास फसल इतनी अच्छी अलाउ नहीं करता, इसकी वजह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% का, बट उनका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन अच्छा है, इंडस्ट्री का 41, सर्विस का 52। पाकिस्तान का सबसे अच्छा, मतलब इंडिया पाकिस्तान चाइना में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का किसका है, जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किसका है, पाकिस्तान का 24 जो है वो एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का कम है जस्ट 19%। लोग कहाँ काम करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग आज भी खेतीबाड़ी में काम करते हैं, फिर टर्चरी में, और फिर क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर में। चाइना में भी सबसे ज्यादा, चाइना में जो सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं वो सर्विस सेक्टर में, सबसे कम खेतीबाड़ी में काम करते हैं, तभी तो कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है, और बीच में आपका इंडस्ट्रियल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं, फिर सर्विस सेक्टर में, और फिर उसके बाद, मतलब इंडिया पाकिस्तान की हालत अप्रोक्सीमेटली सेम है वर्कफोर्स की बात की जाए तो। कोई भी कंट्री कितना डेवलप कर रहा है उसको जानने के लिए क्लास एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज अ स्टैटिस्टिक डेवलप एंड कंपाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। किसने बनाया क्लास, यूनाइटेड नेशन ने, जो अलग अलग कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करेगा। HDI एक ऐसा मेजर है जो हर कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे, उनकी स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, उनकी GNI क्या हो गया, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, इन सब बेसिस पे कंट्री की क्लास देखता है। इसका रैंक 0 से 1 होता है, 0 सबसे खराब, 1 सबसे अच्छा, इसको जो वैल्यू दी जाती है, और नॉर्वे टॉप पे है 0.957। तो HDI इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन है क्लास, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे सबसे टॉप पे है। ये शुरू के 2 याद कर लेना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी का समझ लेना। HDI के 3-4 पॉइंट जरूर याद कर लेना, उसको एक्सप्लेन कर लेना। HDI इंडेक्स में सबसे अच्छी वैल्यू चाइना की 0.761, जबकि सबसे खराब पाकिस्तान का 0.557 और इंडिया की है 0.645। रैंकिंग की बात करें, अराउंड 200 लोगों में रैंकिंग सबसे खराब जो है पाकिस्तान की 154 है, सबसे अच्छी चाइना की 87 और इंडिया की 130, ठीक है, जो कि इतनी अच्छी है भी नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, हर एक इंसान लगभग चाइना में 76 ईयर जीता है, इंडिया में ये 69.7 है, पाकिस्तान में ये 67.3 है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 15 साल से ऊपर के लोग बच्चे हैं वो 6.5, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 6.5 ईयर्स है, ये 8.1 है और ये 5.2। GNI पर कैपिटा, ये परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग है डॉलर में, तो इंडिया का GNI जो है पर कैपिटा 6681 है पर ईयर का, चाइना का 16,000 GNI है, $16,000, जबकि पाकिस्तान का इंडिया से भी कम 5,005। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, 1,000 बच्चे पैदा होते हैं तो इंडिया में 30 बच्चे लगभग मर जाते हैं, चाइना में ये बहुत कम है, चाइना का मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे, तभी तो ये कम है, पाकिस्तान का खराब 57।
मेटरनल मॉडलेट 100,000 महिलाएं अगर बच्चा देती हैं, 100,000 बर्थ अगर हो रहा है उसमें से क्लास 133 महिलाओं को जान चली जाती है इंडिया में, पाकिस्तान में 140 जबकि चाइना में 29। सबसे खराब किसका है, सबसे अच्छा किसका है, बीच किसका है, ये याद कर लो, भले एग्जैक्ट नंबर ना याद करो, और ऊपर के दो को तो आपको सेम याद करना है। तो मोस्टली एचडीआई में इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, चाइना नंबर 1 पे है। एक इंडिकेटर बिना एचडी अधूरा है, इसको लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर नंबर में तो मेजर नहीं करते, लेकिन लिबर्टी में तो किसको कितनी आजादी मिली हुई है, देश कितनी आजादी देता है, पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है, आप वोटिंग दे सकते हो कि नहीं, अपनी बात रख सकते हो कि नहीं, मीडिया कितनी स्वतंत्र है, ये सारी चीजें क्लास आता है लिबर्टी, आपको कितनी आजादी मिली हुई है। तो इंडिया में आजादी बहुत है क्लास, जबकि चाइना में ये खराब है, उतनी आजादी नहीं है। इसमें लिखा है क्लास, दीज आर दोज इंडिकेटर्स व्हिच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री, एग्जाम्पल एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आम जनता की डेमोक्रेसी कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आपको मिलता है कि नहीं, जुडिशियरी कैसी है, इसके बिना ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लिबर्टी इंडिकेटर के बिना अधूरा है, इसका मीनिंग ध्यान रखना। कंक्लूजन की बात करें, इंडिया चाइना पाकिस्तान ट्रैवल मोर देन 5 डिग्री, 50 साल तक ट्रैवल किया, ठीक है, और टिल 1970 सब बराबर थे, लेकिन 1970 के बाद से लास्ट 3 डिकेड्स में इंडिया रह गया नंबर 2 पे, चाइना नंबर 1 पे, और पाकिस्तान क्लास नंबर 3 पे पहुंच गया। ठीक है, बताओ क्लास, यहां तो कोई डाउट है? श्रियांश शर्मा थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा और बचा है क्लास, 10 बज गए, लेकिन अब 5-7 मिनट और रुक जाओ, इसको खत्म करेंगे, फिर थोड़े से आपके डाउट लूंगा, और देन ADAS का वीडियो, आंसर राइटिंग का वीडियो, और लास्ट मिनट टिप, ये 3 वीडियो आना बाकी है। MCQ का मैं ट्राई जरूर करूंगा कराने के लिए, अदरवाइज जो 70 MCQ करा रखे हैं उतना ही कर लेना, MCQ चैप्टर के अंदर से ही आएगा, तो MCQ इज कुछ अलग नहीं है कि कोई अलग चीज है, इसी डेटा से, इसी चैप्टर से क्लास MCQ बनेंगे, बस आपको एक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंडिया मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है, बीच में है, लेकिन अभी भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत जगह क्लास अच्छा नहीं है, रूरल एरिया में अच्छा नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी क्लास इंक्रीज करना है, 22% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिपेंड है क्लास रेमिटेंसेस पे, पाकिस्तान उधार पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, फॉरेन एड जो हेल्प लिया जा रहा है बाहर से, एग्रीकल्चर बहुत वोलेटाइल है, बहुत जल्दी एग्रीकल्चर कभी अच्छा तो फसल अच्छी, देश अच्छा, एग्रीकल्चर डाउन हो जाता है, लेकिन लास्ट रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो GDP के तौर पे बेहतर अच्छी हुई है। बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पाकिस्तान ने धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट दिखाना शो कर दिया है। ठीक है, चाइना की बात करें, चाइना पॉलिटिकल फ्रीडम, ये चाइना की कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट, पॉलिटिकल फ्रीडम, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, जबकि लास्ट 3 डिकेड्स में चाइना भी धीरे धीरे मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, और चाइना ओनरशिप जमीन की अपने पास रखता है, लेकिन लोगों को जमीन देता है कि खेतीबाड़ी करो और अपना आप काम करो। ये सारे पॉइंट्स क्लास चाइना के हैं, तो ओवरऑल तीनों का जो कंपैरिजन है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, वो आपने देख लिया। अब आते हैं डेटा की, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो डेटा बता रहा हूँ ना, तसल्ली से समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से क्लास एग्जामिनेशन में आपको डेटा आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, इंडिया को मिला 15 अगस्त 1947 और 1949 अक्टूबर में वो हुआ क्लास आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। फाइबर प्लान ध्यान रखना, 51-53-56 पंचवर्षीय योजना, 51-53-56 51-53-56 इंडिया 51 सबसे पहले लेके आया फाइबर प्लान, चाइना लाया क्लास 53 में, बाद में पाकिस्तान लाया 1956 में, तीनों पड़ोसी मिलकर ना एक साथ चल रहे थे 1970 तक। HDI वैल्यू की बात करें, इंडिया की रैंकिंग 130 है, वैल्यू 0.645, चाइना की रैंकिंग 87 है, 0.761, और पाकिस्तान की रैंकिंग 154 है, 0.557। हाईली डेंस कंट्री कौन सा है क्लास? इंडिया है। इंडिया का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा करता है GDP में, जबकि ऑल ओवर तीनों कंट्री में GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर का है, 57%। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन GDP में सर्विस सेक्टर का है। इंडिया में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी में काम करते हैं, बट कंट्रीब्यूशन ज्यादा सर्विस सेक्टर का है, सिमिलरली पाकिस्तान का है। हाई फर्टिलिटी रेट है तीनों कंट्री के बीच में पाकिस्तान। GLF कैंपेन 1958 में आया, कल्चरल रिवोल्यूशन को यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1965 ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज अर्ली 1970 पाकिस्तान की बात करें। सिविल वॉर जो छिड़ा था पाकिस्तान के अंदर 1971 में छिड़ा। रिफॉर्म्स कब आया? चाइना का रिफॉर्म्स, देखो ये याद कर लेना, इकोनॉमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइबर प्लान 51-53-56 आजादी कब मिली? 1947 1949 पाकिस्तान का, चाइना का। और रिफॉर्म्स कब आया? 78-88-90 इंडिया सबसे आखिरी में रिफॉर्म्स लेके आया, पहला 1978 चाइना, 10 साल बाद। कैसे याद करोगे 1978, 10 साल बाद 1988, इंडिया का तो पता है जुलाई 1991। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में रिड्यूस किया गया, 2015 में क्लास अबोलिश कर दिया, अबोलिश मतलब खत्म कर दिया गया।
SAARC की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है, एशिया का। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, वो इसका फॉर्म, एशियान का फुल फॉर्म है। USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, आज इसको रशिया बोलते हैं। ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। बाकी G20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इस बार जो मीटिंग हुई थी, इंडिया ने होस्ट करा था, उसमें इंडिया पार्ट लेता है, इंडिया उसका पार्ट है। वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? 1914 से, ये डेट ना याद करो तो भी चलेगा, 1918 तक। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ? 1 सितंबर 1939 से 1945 तक। कोल्ड वॉर सबसे लंबा छिड़ा 1947 से 1991 तक। ये है सारा का सारा डेटा इसका। एंड दैट्स इट, हमने 2 घंटा 10 मिनट के अंदर, दो घंटा ही मान लो, 2 घंटा 4 मिनट है, 2 घंटा ही मान के चलो, 2 घंटे में क्लास हमने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब ये वीडियो क्लास में डाल दूंगा, आप इसको 2x की स्पीड में सुबह भी देख के जा सकते हो, और जो भी दिक्कत परेशानी है आप मुझे बता देना, मैं उसमें काम करूंगा, ठीक है। राज सैनी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच राज सैनी बेटा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, हाँ, एम एस स्वामीनाथन थे, करेक्ट है। क्वेश्चन कब बनता है बोर्ड्स में, वो तो कब का बन चुका होगा क्वेश्चन, मैं ऐसा कह नहीं सकता एग्जैक्टली कब बनता है। 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए ना आपने, बस एमसीक्यू कर लो, मॉक्स बना लो, और जो रिवीजन चल रहा है ना दोनों का, वो रिवीजन कर लो दोनों अच्छे से। ये दोनों रिवीजन है ना, दोनों उसका रिवीजन कर लो अच्छे से। जतिन रिचू, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। हिमांशु पाल, थैंक यू वेरी मच। अंश हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। नहीं, रेस्ट कहाँ है, अभी तो मुझे और वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए, अकाउंट्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप आओगे। अकाउंट्स की स्टार्ट, अकाउंट्स का भी 4 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कराना है। अकाउंट्स में भी लाइव ले लूंगा आप लोगों की, लाइव क्वेश्चन वगैरह लाइव करा दूंगा अकाउंट्स में, ठीक है। 12th के मार्क्स 80-90% नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे और मेहनत करना। 12th के, ये नहीं 12th लास्ट नहीं है, 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लाना, फिर वहां से आगे बढ़ना। कहीं पे अच्छे मार्क्स नहीं भी आए तो जॉब, जहाँ पे जॉब करोगे वहाँ पे काम सीखना, वहाँ पे भी अच्छा निकल सकता है। ऐसा नहीं कि ये मार्क आएंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, बट बचो मत काम से, लेकिन काम करो। कैजुअलाइजेशन मतलब, अच्छा सुनो, लोगों का फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में मूव करना, लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, ठीक है। और जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स है वो क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है वो, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो, उनकी तादाद कम होती चली जा रही है, कैजुअल वर्कर की तादाद बढ़ती चली जा रही है। लोगों को अपना खुद का काम नहीं कर पा रहे, लोगों को पक्की जॉब नहीं मिल पा रही, लोग कैजुअल वर्कर बनते चले जा रहे हैं आजकल। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये रह गया था शायद ना, थैंक यू यार याद दिलाने के लिए, ठीक है। पीडीएफ अभी मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर क्लास के बाद, ठीक है। देखो टॉपर्स की आंसर शीट मैंने देखी थी, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है बस, प्रॉपर जैसे एक नॉवल बच्चा लिखता है ना वैसे ही लिखा हुआ है, बस वो सही सही लिखा है तो इसीलिए उसको टॉपर सीट बन गई एक तरीके से, लकी इंसान कह सकते हो उसको, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा फेल नहीं हो जाओगे, पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे, डोंट वरी। सारा डेटा वगैरह का, डेटा की शीट मैंने, देखो टेलीग्राम पे जाओ, सब कुछ है वहाँ पे टेलीग्राम पे, ठीक है। डेटा की शीट वगैरह सब कुछ मैंने भेज दी है, तो बस फाइनली ऑल द बेस्ट, अच्छे से क्लास अपना पेपर देना। अब अभी और भी वीडियोज आएंगे चैनल पे, स्टे कनेक्टेड, मैं तब प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लास विश करूंगा। कल पूजा पाठ करके आप लोगों के लिए दुआ मांगनी है कि यार आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, आपने इतनी मेहनत करी है उसका क्लास रिजल्ट आपको जरूर मिले, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। बाकी मेरे लाइक कोई भी काम हो, कोई दिक्कत हो, कोई कॉन्सेप्ट रह रहा हो तो मुझे क्लास बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं काम करूंगा उस पर। अभी आज की रात है तो अच्छे से 6 घंटे की नींद लेना आराम से, ज्यादा अब रट्टाबाजी मत करो, बस आराम से वीडियोस देख लो, सब कुछ दिमाग में रिटेन कर लो, कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है, और आराम से सो, और सुबह देखना पेपर आपका नॉर्मल आएगा, अच्छा आएगा। क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट जरूर होंगे, लेकिन घबराना मत बिल्कुल भी कि ये सर ने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था इनडायरेक्ट में आ गया, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, समझना क्या है, 7-8 क्वेश्चन ही तो होंगे बड़े बड़े, और जो कराया उसमें से आएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। अलग अलग सेट होगा, सब कुछ ठीक होगा, पेपर मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा, टफ नहीं आएगा पेपर, कभी आया ही नहीं टफ इकोनॉमिक्स का, तो आप चिंता नहीं करो, ठीक है। तो मेरी तरफ से क्लास ऑल द बेस्ट, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना क्लास, और हो सके तो शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। व्हाट इज रेवोल्यूशन, देखो जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी पूछ रहे हो स्टडी में, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, अलग अलग प्रजाति का इस धरती पर रहना, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट काइंड ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फ्लोरा फौना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो रह रहे हैं, वो बायोडाइवर्सिटी है।
ADAS के न्यूमेरिकल की वीडियो अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ और मैं रखता हूँ। डायग्राम पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बना सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं क्लास फिर हम लोग। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने क्लास लाइव सेशन ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग अकाउंट्स की प्लानिंग करेंगे और आज और भी वीडियोस आएंगे, तो आप देखना जरूर उसको, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।